हेलो दोस्तों, तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे कि बहुत सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में जाने थे। उसके बाद जो टॉपिक इंड जहां हम कर रहे थे वो टॉपिक क्या था, राउटिंग एल्गोरिथम। मतलब क्या क्या एल्गोरिथम को यूज करके एक राउटर है जो पैकेट को फॉरवर्ड करेगा। मतलब क्या है, एक राउटर क्या क्या एल्गोरिथम यूज करेगा किसी पैकेट के डायरेक्शन को डिसाइड करने के लिए, कौन से डायरेक्शन में फॉरवर्ड करना है पैकेट को। ठीक है, अब आप कुमनव गेट सीएसई यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे कंप्यूटर साइंस के वीडियोज देख सकते हैं, और कंप्लीट गेट के सिलेबस के लिए कुमनव गेट सीएसई मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए मोबाइल में, और सारे कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स का स्टडी करिए। तो राउटिंग एल्गोरिथम में ये क्या था, एक स्टेटिक था और एक डायनेमिक था। क्लास दो क्लास था उसमें। ठीक है, स्टेटिक वाले क्लास में क्या था, फ्लडिंग को हम देखे थे। वो स्टेटिक है, मतलब क्या है कि कुछ भी अगर मॉडिफिकेशन हो रहा है लिंक में, जो भी लिंक में मॉडिफिकेशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग वो चेंज नहीं करेगा। फ्लडिंग क्या है, चेंज नहीं करेगा, हमेशा एक जैसा ही बिहेव करेगा। लेकिन डायनेमिक अप्रोच में क्या था कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो चेंज करेगा। मान लो किसी ऐसा है, कोई ऐसा चैनल है जिसमें कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, कोई और चैनल है जो थोड़ा कम ट्रैफिक है, तो क्या करेगा, पैकेट को दूसरे दूसरे साइड वाले से, दूसरे चैनल से डाइवर्ट कर सकता है। यहाँ पर मतलब क्या है कि अपडेट कर सकता है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपडेट कर सकता है कि कैसे एक्ट करना है, कौन से डायरेक्शन में पैकेट को फॉरवर्ड करना है। ठीक है, तो डायनेमिक वाले को आज हम देखने वाले हैं। डायनेमिक का पहला अप्रोच क्या हम लोग देखे थे, क्या कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, ये नाम बताए थे। आज हम डिस्क्राइब करने वाले हैं कंप्लीट किस तरीके से डायनेमिक एल्गोरिथम काम करेगा। और डायनेमिक जैसे ही कंप्लीट होगा हम लोग का, तो एक तरीके से जानो क्या कि नेटवर्क लेयर भी आज इंड हो जाएगा। आज के डेट में क्या है कि नेटवर्क लेयर हम लोग का इंड हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में ट्रांसपोर्ट लेयर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो दो क्लास नेटवर्क लेयर का पहले भी हो चुका है, आज लास्ट क्लास है। वो दोनों क्लास अच्छे से समझे हो, हर चीज समझे हो, आज भी समझ लो, आज लास्ट क्लास है, आज समझ में आ गया। मतलब क्या है, कंप्लीट नेटवर्क लेयर माइंड में रहेगा। अब जानो किसी टॉपिक के बारे में अगर थोड़ा सा समझे रहोगे तो क्या रहेगा, क्वेश्चन जब देखोगे फील लगा क्या कि अच्छा ये कहीं पढ़ा हुआ है, कभी ना कभी देखे हैं, लेकिन बन नहीं रहा है, एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है। वहां क्या करोगे, तुक्का मारोगे, रेंडम गेस करोगे, उसमें क्या है, निगेटिव मार्क्स का चांसेस बढ़ जाएगा। समझ रहे हो, अगर एकदम नहीं पढ़ा हुआ है तब क्या है भाई कि अटेम्प्ट नहीं करें, क्यों, पढ़ा हुआ नहीं है, छोड़ दो क्वेश्चन को। थोड़ा सा पढ़ा हुआ क्या है, ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्या भाई, थोड़ा सा पढ़े हैं, लग रहा है कि शायद सही हो, हम जो गेस मार रहे हैं शायद सही हो, क्यों, नाम तो सुना सुना लग रहा है। समझ रहे हो बात को, ऐसा होता है रियल लाइफ में, ऐसा होता है एग्जाम में। ठीक है, ऐसा तुम्हारे साथ नहीं होगा, सबके साथ हुआ है जो पहले से पढ़ाई करते आए हैं, किसी भी लाइन का एग्जाम कोई भी हो, चाहे गेट का हो या फिर कोई और एग्जाम हो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़े रहने में क्या लगता है कि शायद बन जाएगा, कोशिश करते हैं, टाइम भी गया वहां पर, रेंडम गेस किए हो, ठीक है, थोड़ा सा नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग तुम गेस मार्किंग किए हो, वहां क्या है, गलती होने का चांसेस रहेगा। ठीक है, तो कहीं टाइम बर्बाद करके निगेटिव मार्क्स क्यों लाएंगे भाई, दो क्लास ओवर हो गया, एक क्लास और कर लेते हैं क्या, सबसे आसान तरीका यही है ना। ठीक है, तो आज का क्लास हम अच्छे से समझो। ठीक है, यहाँ से क्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आएगा ही यहाँ से। ठीक है, दोनों टाइप का क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट होता है। ठीक है, तो डायनेमिक अप्रोच को आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सर पहला है डायनेमिक में क्या, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। इसका मतलब सिंपल जानना होता क्या है कि जितना भी राउटर होता है, जितना भी राउटर होता है, सब राउटर के पास में क्या, हम बताए थे कि वो राउटर क्या है भाई, एक्टिव डिवाइस होता है। ठीक है, एक्टिव मतलब क्या होता है, उसके पास में मेमोरी है, राउटर के पास में कुछ मेमोरी स्पेस होता है जहां पर वो कुछ स्टोर कर सकता है। ठीक है, क्या है स्टोर करेगा, वो पहला तो जो पैकेट आ रहा है, जो पैकेट आ रहा है उसको स्टोर कर सकता है क्यू एक सीक्वेंस में रखने के लिए, कि किस सीक्वेंस में सबका ट्रांसमिशन करे, पहला मेमोरी का यूज वो कर सकता है। ठीक है, कि सारे जो पैकेट आ रहा है सबको रिसीव कर लिया राउटर, अपने पास में जो बफर होता है उसके पास में बफर में रिसीव किया, सबको अपना पार्टिकुलर एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग कि कौन सा पैकेट को किसका प्रेफरेंस ज्यादा देना है, किसको कम प्रेफरेंस देना है, उसके अकॉर्डिंग सबको एक लाइन में लगा लिया, एक क्यू में रख लिया। ठीक है, उसके बाद सबका ट्रांसमिशन स्टार्ट करेगा, पहला चीज तो राउटर ये करेगा। दूसरा क्या, एक टेबल को मेंटेन करेगा राउटर, एक टेबल को मेंटेन करेगा। क्या है उस टेबल में, क्या है भाई, उस टेबल में नेटवर्क का नॉलेज है, जो नेटवर्क है, जिस नेटवर्क में ये ट्रांसमिशन हो रहा है, जहां पर पैकेट को ट्रांसमिट करने के बाद प्रोपेगेट करके किस डायरेक्शन में जाना है, कौन से डेस्टिनेशन के लिए किस डायरेक्शन में ट्रांसमिट करना होगा पैकेट को, ये सारा कुछ नॉलेज उस टेबल में होगा।
तो बताओ टेबल कहाँ से आया है, टेबल को ह्यूमन बींग अलग से दिया क्या ना, उसको फील किया टेबल का एंट्री को ह्यूमन बींग किया क्या फील? नहीं, ह्यूमन बींग नहीं किया था। हुआ क्या, जैसे ही नेटवर्क क्रिएट हुआ है, देखते होंगे जब राउटर कभी देखना स्टार्ट जब होगा थोड़ा तो ब्लिंक करते रहता है, देखियो बहुत सारा लाइट रहेगा, कुछ लाइट ऐसे ब्लिंक ब्लिंक करते रहेगा थोड़ा टाइम ब्लिंक करेगा, फिर क्या है कंटिन्यूअस जब नेट उसमें कनेक्शन हो गया, इंटरनेट का कनेक्शन जब आ जाएगा तो परमानेंट हो जाएगा कुछ लाइट, ठीक है। स्टार्टिंग में ब्लिंक करते रहेगा, वो क्या करता है, वो पेयरिंग करता है, सिंक्रोनाइजेशन करता है नेटवर्क से। क्या कर रहा था एक्चुअली भाई, वो कर क्या रहा था कि नेटवर्क उससे डायरेक्टली जिससे कनेक्टेड है उससे बोला क्या कि तुम्हारे पास नॉलेज है ना पहले से नेटवर्क के बारे में, तुम हमको दो अपना टेबल, तो अपना टेबल दो, तुम्हारा टेबल देख के हम अपना टेबल को अच्छा से अपडेट करेंगे, ठीक है। और जो कनेक्टेड है जितना भी डायरेक्टली कनेक्टेड था उससे राउटर, ठीक है, सबसे वो टेबल ले लिया और उसके टेबल से अपना टेबल को अपडेट किया, सबको मिलाकर, सबको मिलाकर। कैसे ऑपरेशन होगा अभी हम बताएंगे किस तरीके से सबका यूज करके, एक से करने पर दूसरे वाले को क्यों दिखना है, एक से ही कर लेता, केवल एक ही नेवरिंग जो नेवर जो उसका है राउटर उससे ही टेबल लेकर अपने आप को ऑपरेट कर लेता, किसी और से मांगने की क्या जरूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है बताएंगे वो भी अभी हम, ठीक है। क्योंकि मिनिमम कॉस्ट चाहिए होता है राउटर को, ठीक है, इसलिए सबको देखेगा, लास्ट में सबको देख कर अपना टेबल को ऑपरेट करेगा। कैसे करेंगे यही हम लोग देखने वाले हैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में, ठीक है। अब एक चीज बताओ, इसको बोलते हैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग को हम लोग बोलते हैं असिंक्रोनस एल्गोरिथम। असिंक्रोनस मतलब क्या होता है, सिंपल वर्ड का हम पूछ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या मीनिंग है हम बताएंगे, सिंपल वर्ड असिंक्रोनस मतलब क्या होता है, अनसिंक्रोनाइज्ड, जो कि सिंक्रोनाइज्ड नहीं है। सिंक्रोनाइजेशन मतलब क्या होता है भाई, कि सेम टाइम में दो अलग अलग काम सेम टाइम में हो रहा है, दो अलग अलग काम सेम टाइम में हो रहा है। जैसे क्या, सिंपल देखो हम बता रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तो एक कैमरा है जो मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है, एक कैमरा सामने रखा हुआ है जहां हम देख कर बता रहे हैं, कैमरा को लेंस को हम बता रहे हैं, कैमरा को लेंस को समझ रहे हैं स्टूडेंट है, ठीक है, इसलिए दिख रहा है कि जो सामने देख रहा है, ठीक है, तो कैमरा को देख कर हम बता रहे हैं, तो कैमरा मेरा फोटो ले रहा है, ठीक है। एक और क्या है, जिस आईपैड में हम पढ़ा रहे हैं इसका क्या है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है, देखो इसको ऊपर नीचे कर रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहा है ना, इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसका स्क्रीन जो रिकॉर्डिंग होता है, इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग का वीडियो जो रहता है इसमें रहता है, इससे अलग से एक पेन ड्राइव लगाकर ट्रांसफर करना होता है सिस्टम में, ठीक है। कैमरा से क्या किए, कैमरा से हम मेमोरी कार्ड लेकर वो भी सिस्टम में कॉपी किए। अब दोनों वीडियो को, इसका वीडियो और कैमरा के वीडियो, दोनों वीडियो को एक साथ पैरेलल में रखे ताकि लगे क्या, जो हम बोल रहे हैं अगर हम यहाँ ऐसे सर्कल किए, ठीक है, तो हम बोले भी कि हम सर्कल ऐसा किए हैं, असिंक्रोनस एल्गोरिथम, बोल भी रहे हैं आईसी को मार्क कर रहे हैं, ये क्या है, सिंक्रोनाइजेशन है, सेम टाइम में दोनों वीडियो को प्ले कर रहे हैं, यहाँ पर जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है स्क्रीन का और मेरा जो कैमरा से हो रहा है दोनों सिंक्रोनाइज है, सिंपल यही मीनिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसको बोलते हैं असिंक्रोनस एल्गोरिथम। क्यों ऐसा बोल रहे हैं भाई, क्योंकि सिंपल बताओ हम क्या बोले कि जब एक राउटर दूसरे राउटर से टेबल मांगा, ठीक है, क्यों मांगा, क्योंकि वो अपना टेबल पहले से अपडेट किया हुआ है, ठीक है, उससे मांग कर अपना अपडेट कर रहा है, ठीक है, तो सामने वाला का टेबल तो पहले अपडेट हो चुका है ना, तब उससे मांगा गया है टेबल, ठीक है, पहले अपना वो अपडेट किया उसके बाद इसको टेबल दे रहा है, दोनों का जो अपडेशन है टेबल का अलग अलग टाइम में हो रहा है, सेम टाइम में तो नहीं हो रहा है, मतलब क्या हो गया, सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। अगर एक साथ में सब लोग एक साथ में अगर सब लोग अपना अपना टेबल को अपडेट करें उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइज्ड बोलेंगे, लेकिन अलग अलग टाइम में अपना टेबल अपडेट कर रहा है सब, इसका मतलब क्या है, अनसिंक्रोनाइज्ड, अनसिंक्रोनाइज्ड को यहाँ वर्ड क्या यूज होता है, असिंक्रोनस होता है, ठीक है, तो क्या है, असिंक्रोनस एल्गोरिथम है, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। टेबल कैसे अपडेट होगा अभी हम बताएंगे, जो टेबल अपडेट होने की कहानी है इस पर क्या है न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है, यही है ही यहाँ पर, डिस्टेंस वेक्टर में और कुछ है ही नहीं, टेबल को कैसे ऑपरेट करना है बस यही चीज है मेरे लिए यहाँ पर, ठीक है, हम बताएंगे, हम प्रॉपर क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे इसका, ठीक है। लेकिन अभी जानो क्या कि टेबल ऑपरेट होता है, जैसे क्या मान लो एक एक यहाँ राउटर ए है, बी सी डी ई बहुत सारा राउटर कनेक्टेड है, ठीक है, देखो ए के पास में एक टेबल है, ठीक है, यहाँ पर आया एक पैकेट आया, डेटा आया, अगर तो क्या किया, इसमें सेंडर एड्रेस है और डेस्टिनेशन एड्रेस है, ए क्या रहेगा, क्या ए है जो अपना टेबल में देखेगा इस पार्टिकुलर डेस्टिनेशन का कौन सा पाथ है, ये पार्टिकुलर डेस्टिनेशन जाने के लिए सब टेबल में एंट्री है,
इससे देखेगा कि ये जो डेस्टिनेशन जाना है कौन से पाथ से जाना सही रहेगा, कौन से पाथ से जाएंगे तो कम टाइम लगेगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये फॉरवर्ड करे, या तो इस डायरेक्शन में फॉरवर्ड करे, या तो इस डायरेक्शन में करे, या तो इस डायरेक्शन में करे, ठीक है। इस टेबल के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करेगा ये है जो, ठीक है। ये टेबल कैसे बनाएगा, ये टेबल है जो बी से बी का भी एक ऐसा टेबल होगा, बी से टेबल लेगा, सी का एक ऐसा टेबल होगा, सी से टेबल लेगा, एक डी का देखो यहाँ टेबल है, डी से टेबल लिया, तीनों से टेबल लेकर अपना टेबल को अपडेट कर लिया, जो भी एंट्री चाहिए इसमें प्रॉपर यहाँ एंट्री कर लिया। कैसे अपडेट कर रहा है, आगे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके बेसिस पर, ठीक है। ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, सेम इसी डायग्राम के लिए हम करेंगे, सेम इसी डायग्राम के लिए करेंगे, ठीक है। कि बी का टेबल कुछ है, सी का टेबल कुछ है, डी का टेबल कुछ है, ठीक है। ए से बी का डिस्टेंस कुछ है, ए से सी का कुछ डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, फिर ए से डी का कुछ डिस्टेंस है, यहाँ पर ये डिस्टेंस गिवेन है। तो अब तीनों का टेबल गिवेन है और ये डिस्टेंस भी अगर गिवेन है तो ए का टेबल फाइंड करो, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन गेट में आता है और दो नंबर का आएगा, दो नंबर का आएगा, समझ रहे हो। इसलिए इसको बोल रहे हैं कि आज ये क्लास बहुत ही जरूरी है, ठीक है। टू मार्क्स का आएगा, अगर समझ जाओगे जो हम क्वेश्चन अभी बताने वाले हैं, अगर समझ जाओगे दो नंबर गेट में आ जाएगा, दो नंबर बहुत होता है। ऐसे ही एक एक क्वेश्चन ऐसा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसे दो दो नंबर आकर बहुत सारा नंबर होगा, आईआईटी या पीएसयू पहुंच जाओगे, स्किप करते जाओगे, काम का चीज स्किप कर दोगे, फिर लगेगा क्या पढ़े भी हुआ भी नहीं, अरे भाई कैसे होगा, कैसे होगा। जो काम का चीज है, इंपॉर्टेंट चीज था, जहां से हाई प्रायोरिटी था क्वेश्चन का, वो टॉपिक भी स्किप कर दिए हो, फिर तो वही होगा एग्जाम में बैठोगे लगेगा कि अच्छा पढ़ा हुआ तो है, बन नहीं रहा है। यही होता है, होता है बहुत लोग के साथ ऐसा होता है। तुम पढ़कर जाओ, एग्जाम देकर आना, तुम अच्छे से पढ़कर जाओ, लेकिन तुम सब दोस्त से बात करना, तुमको दोस्त जरूर दो चार मिल जाएगा ये बोलने वाला कि पढ़े थे लेकिन यार बन नहीं पाया, रिवीजन नहीं किए थे, क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए थे, ऐसा बोलने वाला मिलेगा। तो दूसरे का बोलना अगर रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुमको, लेकिन तुम अगर ये चीज किसी और को बोल रहे होगे मतलब क्या है, तुम्हारा रिजल्ट खराब हो गया, ठीक है। दूसरे से सुनना है, अपने आप प्रैक्टिकल मत कर लेना, ठीक है। चलो तो ट्रस्ट करो सामने वाले पर, ट्रस्ट करो एकदम, बहुत सोच समझ के हम बोलते हैं, ठीक है। चलो ये देखो यहाँ पर क्या है, इस तरह का नेटवर्क है, इस समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या है, कुछ थियोरेटिकल चीजें देख लेते हैं, फिर यहाँ हम क्वेश्चन देखो सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ क्या है, वेक्टर टेबल बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये एल्गोरिथम क्या है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग है, यही है ना, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग है। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग है, यहाँ पर होता है क्या है, जो वेक्टर है ये वेक्टर टेबल होता है, वेक्टर टेबल इसको बोलते हैं, ठीक है। तो होगा क्या भाई, कि वेक्टर टेबल ऑफ बी का वेक्टर टेबल देखो यहाँ गिवन है, सी का गिवन है, डी का गिवन है। अब बोलो क्या कि एक लाइन में लिखे हुए क्या टेबल है, कैसे इसको रीड करेंगे वो हम बताएंगे अभी, ठीक है। ये टेबल गिवन है, इसके बाद में क्या है, मेजर्ड डिले ऑफ ए टू बी, C एंड D आर 4, 3, 2 respectively। मतलब क्या है, A से B जाने का कॉस्ट 4 है, A से C जाने का कॉस्ट 3 है, A से D जाने का कॉस्ट 2 है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करना है, फाइंड वेक्टर टेबल ऑफ A, A का वेक्टर टेबल हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। अभी करेंगे, ठीक है। कुछ थ्योरेटिकल जो बोले हैं उसी को एक हम लिख भी दिए हैं, सेंटेंस में लिखा हुआ भी है ताकि रिवीजन में काम आए, ठीक है। उसको भी एक बार रीड करते हैं, कुछ नया चीज रहा वो समझा भी देंगे, ठीक है। यहाँ देखो क्या है, व्हेनेवर अ पैकेट कम टू राउटर द नेवर राउटर विल गिव देयर वेक्टर टेबल्स, देन योर न्यू राउटर टेबल इज कैलकुलेटेड फॉर दैट नोड टू फॉरवर्ड द डेटा, ठीक है। इसको हटा दो टू को। मतलब क्या है कि जब भी नया पैकेट आएगा उसका जो नेबरिंग जो राउटर है वो क्या करेगा, अपना वेक्टर टेबल इसको देगा, उसके बेसिस पर क्या किया, अपने वेक्टर टेबल को अपडेट कर लिया ये, ठीक है। अब जो नया पैकेट आया उसको उसके अकॉर्डिंग फॉरवर्ड करेगा, बस यही चीज बोल रहा है ये, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज द इटरेटिव एल्गोरिथम, इसको इटरेटिव एल्गोरिथम भी बोलते हैं। इटरेटिव क्यों बोलते हैं, इसका मीनिंग देखो क्या है कि बी है जो, जैसे मान लो ए का वेक्टर टेबल को फाइंड करने के लिए बी का वेक्टर टेबल हमको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो बी भी अपना फाइंड करने के लिए किसी और का तो हेल्प लिया होगा, बी भी लिया होगा किसी और का हेल्प,
वैसे ही सी भी लिया हुआ किसी और का हेल्प, ठीक है। इसको बोलते हैं इटरेटिव, इटरेटिव वर्क यही हो गया कि एक इसके डिपेंडेंसी से कोई और कर रहा है, उसके डिपेंडेंसी से कोई और कर रहा है, उसके डिपेंडेंसी से कोई और कर रहा है, ठीक है। इंटरडिपेंडेंसी एक तरीके का बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या है? इटरेटिव एल्गोरिथम है, इट इज नोन आल्सो नोन एज इटरेटिव एल्गोरिथम बिकॉज द आउटपुट ऑफ वेक्टर टेबल इज गिवन एज इनपुट फॉर अदर राउटर फॉर देयर कैलकुलेशंस। मतलब क्या हो गया भाई कि बी है, बी का जो वेक्टर टेबल है, बी का जो वेक्टर टेबल में जो भी एंट्री है इसका आउटपुट इससे हम निकाल कर किसको दिए? ए को दिए। तो बी का तो वेक्टर टेबल का वो आउटपुट हो गया ना, बी में जो स्टोर है एज ए इनपुट स्टोर है, वहां से हम किसी को दे रहे हैं, वो क्या है? आउटपुट है बी के लिए, ठीक है। तो बी का आउटपुट है जो बी अपना वेक्टर टेबल का डेटा दिया है ए को, बी तो आउटपुट अपना दे रहा है, ए क्या समझ रहा है? ए का अपना टेबल के लिए क्या बोल रहा है कि मेरा इनपुट है, ये मेरा इनपुट है, ठीक है। जैसे क्या, एक कंपनी है, मान लो एक लैपटॉप बनाने का कंपनी है, ठीक है, एक बैटरी बना रहा है, ठीक है। तो लैपटॉप बनाने वाला क्या बोल रहा है कि बैटरी तुम हमको बना कर दे देना, हम अपना लैपटॉप में लाकर बेचेंगे और तुमको जो पैसा रहेगा बैटरी का हम देंगे। तो जो बैटरी वाला कंपनी है उसके लिए बैटरी क्या हो गया? बैटरी क्या हो गया उसके लिए? आउटपुट हो गया उस कंपनी का। तो अपना आउटपुट लैपटॉप वाले को दिया, लैपटॉप वाला क्या सोचा? अच्छा, वो कुछ इनपुट दिया है हमको, अपना बैटरी दिया है, बाकी सब चीजें हम स्क्रीन बनाएंगे, मदरबोर्ड बनाएंगे, सब बना लेंगे, असेंबल करेंगे लैपटॉप, फिर मार्केट में सेल करेंगे। तो लैपटॉप वाले कंपनी के लिए बैटरी क्या है? इनपुट हो गया, ठीक है। वैसे ही जो बैटरी वाला कंपनी है उसके लिए बैटरी क्या है? आउटपुट हो गया, बैटरी बना रहा है, रॉ मटेरियल कुछ और यूज किया है, ठीक है। जबकि लैपटॉप वाले के लिए बैटरी है जो रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये क्या है? इटरेटिव एल्गोरिथम इसको बोलते हैं, ठीक है। मतलब क्या, दूसरे के हेल्प से कुछ करें, दूसरा आदमी कुछ हमको दे रहा है, उसके हेल्प से हम अपना काम कुछ कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है? इटरेटिव एल्गोरिथम भी इसको बोलते हैं। इसके बाद देखो क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम बिकॉज राउटिंग टेबल्स आर कैलकुलेटेड फॉर एवरी नोड वेयर एवर पैकेट कम्स। ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम भी होता है, क्यों? क्योंकि जहां भी पैकेट आएगा एक ही जगह, ऐसा नहीं है केवल ए पर ही डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम अप्लाई करके इसका टेबल को फाइंड कर रहे हैं, इसका वेक्टर टेबल को हम फाइंड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जहां भी पैकेट आएगा वहां पर ये काम होगा, जहां भी जिस भी राउटर के पास आ जाए वहां पर ये काम होगा, ठीक है। इसलिए बोलते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम भी बोलते हैं, ठीक है। ऑल्सो नोन एज असिंक्रोनस एल्गोरिथम बिकॉज द राउटर विल गिव देयर वेक्टर टेबल इन डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग टाइम में वेक्टर टेबल देता है, ठीक है। क्योंकि जिसका अपडेट हो गया अपना दे दिया, ठीक है, फिर वो किसी और माँ को या और मांगा है किसी और को दे रहा है, ठीक है, डिफरेंट टाइम में दे रहा है। मतलब क्या है? असिंक्रोनस, अलग अलग टाइम में एक काम कर रहा है, ठीक है। एक तरीके से भी बोल सकते हैं कि अलग अलग टाइम में सब अपना टेबल को क्या किया? अपडेट किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, वेक्टर टेबल को फाइंड कैसे करेंगे, जो डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम है इसका हम यूज कैसे करेंगे, ठीक है। कैसे हम डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम को यूज करके अपने टेबल को अपडेट करेंगे, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे, एकदम आराम से समझो, समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा, ठीक है, आराम से समझो। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहां जो डेटा दिया हुआ है, क्या क्या डेटा है भाई? वेक्टर टेबल ऑफ बी, इसका मतलब क्या हो गया? देखो एक लाइन में लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है? ए को बी से, बी से ए पहुंचने में 2 लगता है, ठीक है, बी से बी पहुंचने में 0 लगता है, बी से सी पहुंचने में 1 लगता है, बी से डी पहुंचने में 5 लगता है, बी से ई पहुंचने में 4 लगता है, यही इसका मतलब है, ठीक है। सेम वही चीज है, सी से ए पहुंचने में 3, बी पहुंचने में 2, सी से सी पहुंचने में 0, सेम ही है, ठीक है। सी से डी 9, सी से ई 1, सेम वही डी के लिए, डी से ए है जो 4, बी है 1, सी है 3, डी 0 और ई 12, ठीक है। ये क्या है? एक टेबल फॉर्मेट में मान लो ऐसा रहता, टेबल फॉर्मेट में रहता क्या कि मान लो ये बी का है, ऐसा ऐसा एंट्री बना हुआ है, ठीक है। ये क्या, ए के लिए कितना डिस्टेंस 2, बी के लिए 0, सी के लिए 1, देखो यहाँ सी के लिए 1 है, सी के लिए 1 है ना, सेम यही चीज है। उसके बाद डी के लिए 5, ई के लिए 4, यही हो गया बी का टेबल, बी का टेबल यही हो गया, यही टेबल बी देगा, ठीक है। इसी टेबल को हम सीक्वेंस में ऐसा लिख दिए हैं, केवल सीक्वेंस में हम लिख दिए हैं, ठीक है।
मतलब क्या है भाई, पहला है जो ए है, बी सी डी ई, इस तरीके से, ठीक है। शॉर्ट में लिखने के लिए टेबल बनाएंगे, ज्यादा स्पेस लगता है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए ऐसा लिख दिया। एग्जाम में क्वेश्चंस भी इसी फॉर्मेट में देगा, या हो सकता है टेबल भी दे दे, टेबल भी दे दे एग्जाम में, टेबल ऐसा ऐसा दे दिया है, ठीक है। एक टेबल दे देगा, मतलब बी का टेबल दे देगा, सी का टेबल दे देगा, डी का टेबल दे देगा, ठीक है। और क्या करेगा, ए का टेबल दे देगा जो इनकम्प्लीट टेबल देगा, इनकम्प्लीट की जगह पर कुछ वेरिएबल पुट कर दिया, एक्स कर दिया, वाई कर दिया, कहीं जेड कर दिया, पूछेगा एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या है, या फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या है, मतलब कुछ भी पूछ ले, एक्स वाई जेड के वैल्यू फाइंड करके वो पार्टिकुलर वैल्यू को हम रीच कर जाएंगे, ठीक है। मतलब क्या है, एक ही टेबल को फाइंड करना है, सिंपल मीनिंग यही है, ठीक है, अब समझ गए इतना। अब देखो एक और चीज बताओ, ए क्या करेगा, बी का टेबल से एक टेबल बनाएगा, ए है जो, ए के लिए फाइंड करना है ना, ए के लिए फाइंड करना है ना, फाइंड वेक्टर टेबल ऑफ ए, ठीक है, ए के लिए करना है। ए करेगा क्या, ए बोला बी को कि तुम हमारा टेबल दो ना, हम अपना टेबल बनाएंगे, ठीक है। बी क्या बोला, ठीक है ले लो, दोस्ती है दोनों में ले लो। ए क्या किया, जो बी का हेल्प से एक टेबल यहां बना लिया, एक किसका है, बी का हेल्प से। सेम और सेम सी को भी बोला था ये, क्यों, क्योंकि सी और ए डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब ए का नेवर है सी, ठीक है, सी के हेल्प से भी एक टेबल बनाया। वैसे ही डी के हेल्प से भी एक टेबल बनाया, कौन बनाया है, ए बनाया है सब टेबल, ई ए बनाया है ऐसा टेबल, ठीक है। इस तरीके से टेबल है जो कौन बनाया है, ए बनाया है, ये सब ए का टेबल है, किसके लिए, बी का हेल्प से बनाया, सी का हेल्प से बनाया, डी का हेल्प से बनाया, तीनों से बना लिया। अब इस तीनों में देखेगा कि बेस्ट पॉसिबल पाथ कौन सा है, इसके अकॉर्डिंग एक नया फाइनल टेबल ए है जो बनाएगा, ऐसे एक फाइनल टेबल बनाएगा, एक फाइनल टेबल बनाएगा, समझ रहे हो कैसे होगा, अब हम बता रहे हैं, देखो ठीक है, इतना समझ गए हो। अब देखो, अगर बी के हेल्प से बना रहा है टेबल, तो ये क्या करेगा भाई, ये करेगा क्या, यहां पर देखो एक सेकंड, दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। ए क्या करेगा, विथ, अच्छा विथ वी ना, बी ना लिख करके ऐसा करते हैं, वाया बी लिख सकते हैं क्या, ऐसा वाया बी का मतलब क्या हो गया, कि ए से, ए का टेबल है जो बी से बना हुआ है, मतलब क्या है, ए अब जब भी कहीं जाना रहेगा तो पहले बी जाएगा, फिर बी से जहां जहां जाना है वहां जाएगा, ठीक है। तो बी से जहां भी जाना है, बी से सब जगह जाने का कॉस्ट पहले से पता है, ठीक है। अब ए से बी होते जाना है, तो बी से सब जगह जाने का कॉस्ट पता है ना पहले से, ए से बी जाने का कॉस्ट कितना है, देखो यहाँ गिवन है, ए से बी सी डी जाने का, बी जाने का 4, सी जाने का 3 और डी जाने का 2, मतलब क्या है कि ए से बी जाने का 4 है और बी से सब जगह जाने का इतना है, तो टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, जैसे क्या भैया, बी अगर हम लिखते हैं तो क्या ले सकते हैं, अगर ए टू ए जाना है, ठीक है, अगर हमको ए टू ए जाना है तो क्या करेंगे, इसके लिए पहले हम ए टू बी जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद बी टू, एक सेकंड, बी टू ए जाएंगे, बी टू ए गए, ठीक है। कितना कॉस्ट लगा, देखो ए से बी जाने में कॉस्ट कितना लगेगा, ए से बी जाने में कॉस्ट कितना लगेगा, 4 है लिखा हुआ है, ठीक है, ए से बी जाने में कॉस्ट है 4, फिर बी से ए जाने में कितना कॉस्ट लगेगा, B से A जाने में कॉस्ट कितना है, 2, तो कितना हो गया टोटल 4 प्लस 2, A से A जाने में कॉस्ट कितना हो गया 4 प्लस 2, अब बोलोगे क्या, A से A जाने में तो 0 होना चाहिए, 0 होगा, बाद में देखेंगे ये चीज, बाद में देखेंगे, अभी जो स्टेप हम बता रहे हैं इसके अकॉर्डिंग समझो, बाद में इसको स्किप करना जानेंगे, जब एक बार अच्छा से सॉल्व करना देख लोगे। मतलब क्या है, जो कॉन्वेंशनल तरीका होता है सॉल्व करने का, अगर उसको जान रहे हो तो शॉर्टकट अपने आप बना लोगे, ठीक है। इसलिए पहला फर्स्ट टाइम है, एक कॉन्वेंशनल तरीके से हम बता रहे हैं कि हर स्टेप हम बताने वाले हैं, ठीक है, जिसको कुछ भी नहीं आता है वो भी इसको सॉल्व कर ले, ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो क्या किया, 4 प्लस 2 हो गया, मतलब कितना होना चाहिए फाइनल वैल्यू, 6 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, ठीक है, चलो हम 6 यहां लिख लेते हैं, यहां हम लिख लेते हैं वैल्यू 6, मतलब क्या भाई, ए से ए जाने का वैल्यू मेरा कितना हो गया, 6 हो गया, चलो। अब ए से बी जाना है हमको, ए से बी जाना है, इसके लिए क्या करेंगे,
पहले हम ए से बी जाएंगे या फिर बी से बी जाएंगे, जैसे पिछला वाला में किए वही काम फिर से करेंगे, कितना वैल्यू हो जाएगा। यहाँ देखो ए से बी जाने का कितना, ए से बी जाने का 4, फिर बी से बी जाने का कितना, बी से बी जाने का कितना 0, मतलब क्या हो गया 4+0, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4+0 4, ठीक है बस उसको हम एंटर कर देते हैं, 4+0 कितना हो गया 4 हो गया। चलो अब उसके बाद ए से सी जाना है अगर, ठीक है ए से सी जाना है, किसे ए से सी जाना है वाया बी हम देख रहे हैं अभी, ठीक है सी या डी वाला टेबल हम देख ही नहीं रहे, इसको हम नहीं देख रहे हैं, केवल इसको हम देख रहे हैं, बी वाले को हम देख रहे हैं, बी वाले टेबल से हम बना रहे हैं, ठीक है। चलो अब ए से सी जाना है, ए से सी जाना है कहाँ जाएंगे भाई, पहले हम ए से बी गए फिर बी से सी गए, ठीक है यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो, अब ए से हम बी गए हैं, जो हम जो ए से बी गए हैं कितना लगेगा, कितना डिस्टेंस है 4 है, बहुत बार हम देख चुके हैं, ठीक है ए से बी 4 होता है, जैसे क्या ए से बी कितना हो गया 4 हो गया, यहाँ देखो वैल्यू लिखा हुआ था 4 प्लस में, बी से सी कितना, बी से सी कितना है देखो, अच्छा बी से सी देखो यहाँ है, ठीक है ए ए के लिए है, फिर बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए, ई के लिए, ठीक है यहाँ लव लिख ही देते हैं यार, ए बी सी डी ई, ठीक है बी को अच्छा से लिखे गया, और लव बी को थोड़ा और क्लियर लिखते हैं। चलो हो गया ए बी सी डी ई हो गया इस तरीके से। अब देखो ए से बी 4, बी से सी कितना, बी से सी कितना 1, 4+1 कितना 5 होना चाहिए, ठीक है 5 लिखेंगे यहाँ पर, 5 लिख दिया। अच्छा एक सेकंड कलर दूसरा कर लेते, यहाँ क्या हो गया 5 लिख दिया, ठीक है। वैसे ही अगर ए से हम डी का देखें तो क्या देखेंगे भाई, ए से डी का देखें तो पहले ए से बी जाना, देखो कहीं भी जाने के लिए पहले ए से बी जाना है, क्यों, क्योंकि हम वाया बी देख रहे हैं, ए से बी जाना ही जाना है, ठीक है उसके बाद बी से जहां भी जाना है पहुंच जाएंगे। अब बी से डी जाएंगे, ठीक है ए से बी कितना 4, ठीक है और बी से डी कितना 5, 4+5 कितना 4+5 9, मतलब ये कितना हो गया 9 हो गया। चलो सेम वैसे ही ए से ई जाना है अगर, ठीक है अब क्या है ए से ई जाना है, ए से ई जाने के लिए पहले कहाँ जाएंगे, ए से बी जाएंगे और बी से कहाँ गए, बी से हम गए ई पर गए, ठीक है बी से ई पर गए, ए से बी जाने में कितना, ए से बी जाने का कितना कॉस्ट 4 है, 4 यहाँ हमेशा यूज करते आ रहे हैं, फिर देखो बी से ई जाने का कितना कॉस्ट, देखो बी से ई जाने का कॉस्ट 4, 4+4 कितना 8 हो गया टोटल, ठीक है टोटल हो गया कितना 8 हो गया, ठीक है। अब देखो ए से सब जगह जाने का रास्ता निकला या नहीं, देखो ए से ए जाने का पता चल गया है, ए से बी जा सकते हैं, ए से सी जा सकते हैं, ए से डी जा सकते हैं, ए से ई जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं भाई वाया बी जा सकते हैं, देखो सब में बीच में बी है, वाया बी जाना है, सब में बीच में क्या है बी है, बी के थ्रू हम जा सकते हैं। कॉस्ट कितना लगेगा, सबका कॉस्ट भी देखो यहाँ सिक्वेंस में लिखा हुआ है, क्या ए से ए जाने का कॉस्ट 6, ए से बी जाने का 4, ए से सी जाने का 5, ए से डी जाने का 9, ए से ई जाने का 8, सब कॉस्ट निकल गया, ठीक है एक टेबल बना लिया, ए है जो एक टेबल बना लिया किसके हेल्प से, बी के हेल्प से, ठीक है। हम इस टेबल को इस ऑर्डर में ऐसे लिख लेते हैं, जैसे ये देखो यहाँ लिखा हुआ है क्या है, पहला क्या है ए बी सी डी ई, यही है ना, यहाँ भी तो यही है ना ए बी सी डी ई, इस सिक्वेंस में हॉरिजॉन्टल हम लिख लेते हैं इस चीज को, ठीक है। अब जब इसको हम हॉरिजॉन्टल बनाएंगे एक सेकेंड, चलो ए बन गया, ठीक है इसको जब हम हॉरिजॉन्टल बनाएंगे तो क्या वैल्यू देगा मेरा, ए भाया बी, इसका टेबल क्या हो गया वैल्यू, देखो 6, अगला कितना 4, उसके बाद कितना 5 9 8, हो गया कोई दिक्कत नहीं। सेम अब ए अगर लिखना है, ए वाया सी लिखेंगे तो क्या करना होगा, सी लिखेंगे तो क्या करना होगा, सिंपल एक चीज ऑब्जर्व करो, देखो ए जो वैल्यू हम लिखे हैं इसको ही ऐसा लिखे हैं,
ये जो वर्टिकल था ऐसा कॉलम में, इसको हम रो में लिख दिए, ठीक है। देखो 6 4 5 9 8, 6 4 5 9 8, इसको हम लिखे। अब एक और चीज बताओ, एक और चीज बताओ, ए बी सी डी यही सीक्वेंस है, यही सीक्वेंस है ए बी सी डी, ठीक है। अब देखो बी का जो टेबल था जो कैसा दिख रहा था, देखो यहाँ 20154, ए से बी जाने में कॉस्ट कितना था, 4 था, ठीक है। यहाँ सब में 4 ऐड कर दो, इसमें 4 ऐड, 4 ऐड, 4 ऐड, 4 ऐड, 4 ऐड करो, और उसके बाद इससे कंपेयर करो, ठीक है। पहला में 2 है, 2 प्लस 4 कितना, 6, 0 प्लस 4 कितना, 4, 1 प्लस 4 कितना, 5, 5 प्लस 4 कितना, 9, 4 प्लस 4 कितना, 8, सब में 4 ही तो हम ऐड किए इनडायरेक्टली। इतना हम इसलिए लिख रहे थे, एक बार बस हम सब समझा रहे थे, ठीक है, डायरेक्टली ये काम हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। इसमें सब में 4 4 4 ऐड कर दो लाइन से, क्यों ऐड कर रहे हैं भाई। अब बी से जाने में सब जगह रास्ता पता ही है, और जान रहे हैं कि ए से बी जाने के लिए 4 चाहिए, ठीक है, तो इसमें डायरेक्टली क्यों ना ऐड कर दें हम। ए से बी जाने का जो कॉस्ट है, बी से सब जगह हम जा सकते हैं, पता है पहले से ही, तो ए से बी जाने का जो कॉस्ट है डायरेक्टली ऐड कर दो, ठीक है। तो यहां पर देखो सब में 4 ऐड करके बन गया, ठीक है। अब वैसे ही अगर ए वाया सी बनाना है, सी के हेल्प से बनाना है, तो क्या करेंगे, ए से सी जाने का कॉस्ट कितना है भाई, ए से सी जाने का कॉस्ट 3 है, क्योंकि ये क्या है, बी सी डी तीनों का रेस्पेक्टिव वैल्यू है, बी का 4, सी का 3, डी का 2, यही है, ठीक है। तो सी के हेल्प से अगर बनाएगा, ए है जो टेबल, तो ए से सी जाने का कॉस्ट कितना है, 3 है, ए से सी जाने का कॉस्ट कितना है, 3 है, तो 3 है, सब में 3 ऐड कर दो, सब में 3 ऐड करो, पहला में 3 ऐड करो, फिर इसमें 3 ऐड करो, इसमें 3 ऐड करो, इसमें 3, इसमें 3, सब में 3 ऐड कर दो, ठीक है। तो पहला में 3 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 3 ऐड करेंगे तो 3 पहले से है, 3 प्लस 3 कितना, 6, 3 प्लस 2 कितना, 5, 3 प्लस 0 कितना, 3, 3 प्लस 9 कितना, 12, 3 प्लस 1 कितना, 4, ए बन गया भाया सी, कितना है, 6 5 3 12 4, ठीक है, 6 5 3 12 4, ठीक है, हो गया, सही है। 3 3 6 3 2 5 0 9 3 12 3 1 4, सही है, ठीक है भाई, ऐसे ही हो गया। अब सेम चीज अगर करें, ए ए वाया डी अगर हम करते हैं, ठीक है, तो क्या वैल्यू आएगा भाई। अब एक चीज पहले देख लो, क्या कि ए से डी जाने में कितना कॉस्ट है, 2 है, डी का टेबल कहाँ है, यहाँ है, सब में 2 ऐड कर दो, यहाँ पर 2 ऐड करें कितना हो गया, 4 प्लस 2 6, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 0 प्लस 0 प्लस 2 कितना, 2, 12 प्लस 2 कितना, 14, यही बन गया, कितना है, 6 3 5 2 14, यही है ना, 6 3, एक सेकंड, 5 2 14, ठीक है। अब देखो ए का टेबल बन गया है, भाया बी बन गया, भाया सी बन गया, भाया डी बन गया, बन गया, ठीक है। अब एक चीज बताओ, हम फाइनल टेबल बना रहे हैं, ठीक है, फाइनल टेबल ऑफ ए हम यहां बना रहे हैं, ठीक है। अब फाइनल टेबल ऑफ ए को बनाने के लिए, ए का फाइनल टेबल को बनाने के लिए देखो क्या क्या हम कर सकते हैं, ए से ए जाने में कॉस्ट कितना, ए से ए जाने में कॉस्ट कितना लगेगा, 0, यहां पर कुछ भी वैल्यू रहे, देखो भाया बी जा रहा है तो 6 लग रहा है, भाया सी जा रहा है तो 6 लग रहा है, भाया डी जा रहा है तो 6 लग रहा है, ठीक है, सब में 6 ही है ना, 2 3 4, 4 प्लस 2 6, 3 3 6, हाँ 6 लग रहा है, तो ए से ए जाने में रियल में कॉस्ट कितना है, ए से ए पर ही जाना तो 0 लगेगा, ठीक है। अब सबसे मिनिमम ए से ए जाने का क्या हो गया, 3 यहाँ गिवन है, एक डायरेक्ट हम जा रहे हैं ए से जाने में 0 लगेगा, मतलब क्या है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर 0 होना चाहिए, ठीक है, मतलब ए से ए जाने में कितना, 0, ठीक है। हम क्या किए यहाँ पर, यहाँ पर हम लगा लिए 0,
ये फाइनल टेबल है मेरा, ठीक है लो ये लो से लिखते हैं यार, ये है मेरा फाइनल टेबल, चलो जीरो हो गया। अब बोलो ए से बी जाने में कितना, ए से बी जाने में देखो ए से बी जाने में ए टेबल क्या है, ए का सब है ठीक है, भाया बी जाएंगे तो फोर लगेगा, भाया सी जाएंगे तो फाइव लगेगा, भाया डी जाएंगे तो थ्री लगेगा। सबसे कम किसके थ्रू जाने में लग रहा है, सबसे कम लग रहा है हम लोग को भाया डी जाने में, केवल थ्री ही लग रहा है, नहीं तो बाकी में फोर और फाइव लग रहा है, तो मिनिमम क्या है थ्री है ना, किससे भाया डी जाने में, बस इसको ही लिखेंगे। मतलब क्या है थ्री लिख लो बी जाने के लिए कॉस्ट थ्री, कैसे भाया डी, समझ में आ रहा है ठीक है, बस यही चीज करना है। मतलब क्या ए से अगर बी जाना है, रुक जाओ इसको ना ऐसा करते हैं, ए जाने का फिर बी का हो गया, सी का लिखेंगे, डी का लिखेंगे, ई का लिखेंगे ठीक है, व्हाइट कलर यहाँ यूज कर लिए हैं ठीक है। अब इसके बाद में ए से बी जाने का कॉस्ट कितना था, मिनिमम थ्री आया था हम लोग का, मिनिमम थ्री आया था, कैसे वाया डी ठीक है, कंफर्म है। अब एक और चीज ए से सी जाने में देखो, देखो ए से सी जाने में फाइव लगेगा, जब वाया बी जाएंगे वाया सी जाएंगे थ्री लगेगा, वाया डी जाएंगे फाइव लगेगा, मिनिमम कौन है थ्री वाला है, किससे वाया सी ठीक है। मतलब क्या मिनिमम कितना लग रहा है थ्री, कैसे वाया सी ठीक है, वाया सी लग रहा है ठीक है, लिख दिए। अब देखो डी के लिए, देखो डी के लिए एक बार देखो कि डी के लिए भाया बी जाने में नाइन, भाया सी जाने में ट्वेल्व, भाया डी जाने में टू लग रहा है ठीक है, मिनिमम कैसे भाया डी जाने में है, बेनिफिट क्या है भाया डी जाने में, हाँ डी जाना है भाया डी जाने में ही है ठीक है, टू लग रहा है तो यहां क्या लिखेंगे हम लोग टू, कैसे भाया डी। मतलब इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हो, टू से मतलब ए से डी जाने में कॉस्ट कितना है टू लग रहा है भाया डी, मतलब डी से डी तो जीरो ही रहा होगा, जान रहे हैं हम लोग ठीक है, तो ए से डी जाने में टू लगेगा कॉस्ट ठीक है। चलो अब ई के लिए देखते हैं, ई के लिए कितना लगेगा भाई, ई के लिए भाया बी है जो एट, भाया सी है जो फोर, भाया डी है जो फोर्टीन, एट फोर फोर्टीन, मिनिमम कौन है मिनिमम फोर है, मिनिमम फोर है भाया सी, मतलब क्या हो गया फोर भाया सी, यही ये जो है ये है जो फाइनल टेबल हो गया ठीक है। ये है जो फाइनल टेबल हो गया ठीक है, यही ये का टेबल है। एग्जाम में क्या पूछेगा, एग्जाम में क्या करेगा, यहां पर नहीं दिया रहेगा ठीक है, या इसके जगह में लिख देगा एक्स है, यहां लिख देगा वाई है, यहां वाया में भी कुछ लिख दिया है, सी लिख दिया है, या यहाँ पर कुछ मान लो क्यू लिख दिया, मान लो यहाँ पी लिख दिया, बोले या क्या एक्स वाई का क्या वैल्यू है और क्यू और पी क्या है ठीक है, कैसे जा रहे हैं हम लिख देंगे, क्योंकि हमको तो ओरिजिनल टेबल ही बनाना आता है, टेबल बना लो और उसको जो टेबल गिवन है उस टेबल से कंपेयर कर लो, इस गिवन टेबल से कंपेयर कर लो, जहां जो चीज रखता है रहना है कंपेयर करने के बाद में वो फिल कर लो, यहां से जो भी वैल्यू फाइंड करना है फाइंड हो गया ठीक है। इस तरीके से वेक्टर टेबल है जो फाइंड किया जाता है ठीक है, समझ गया, ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है और दो नंबर का आता है, इसलिए इतना देर तक बताए, बताना जरूरी था ठीक है, ये समझ गया, ये समझ में आ गया, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है अब जो ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग ठीक है। अब देखो एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, तो क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है एकदम आराम से देखो, एक ही प्रॉब्लम यहाँ पर है, ये प्रॉब्लम बाद में रिमूव भी करेंगे, कैसे रिमूव होगा वो भी हम देखेंगे ठीक है। मतलब क्या ड्रॉबैक क्या है इसका, ये जो हम काम कर रहे थे डिस्टेंस वेक्टर का, भी ये जो डिस्टेंस वेक्टर का हम काम कर रहे थे, इसका एक ड्रॉबैक है, एक ही ड्रॉबैक है लेकिन बहुत मेजर ड्रॉबैक है ठीक है। देखो क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर, देखो ड्रॉबैक ऑफ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, इसमें देखो प्रॉब्लम क्या आता है, एक प्रॉब्लम होता है काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम, जिसको लूप प्रॉब्लम भी बोलते हैं हम लोग। बोलो काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम है क्या, सिंपल एक चीज बताओ, एक नेटवर्क है ठीक है, यहाँ एक्स है, यहाँ ए है, यहाँ बी है ठीक है, तीन राउटर है मान लो ठीक है। ये कनेक्शन देखो कैसे है, यहाँ से यहाँ का कॉस्ट वन है, यहाँ से यहाँ का कॉस्ट वन है ठीक है, अभी सब कुछ ठीक चल रहा है।
इनिशियली क्या है? अच्छा इसको छोड़ो, ये स्टेटमेंट हम पढ़ लेंगे बाद में, ठीक है? अभी तो क्या है, इनिशियली ये देख लो, इनिशियल इनिशियली द राउटिंग टेबल ऑफ राउटर इज एम्प्टी। स्टार्टिंग में सबका एम्प्टी रहता है, एक दूसरे से राउटिंग टेबल ले लेकर सब बनाता है, ठीक है? डायरेक्ट मतलब इनिशियली क्या आएगा, देखो ए का टेबल में बाकी दूर जो है वो सबका आए या नहीं है, लेकिन ए से जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली जो कनेक्टेड है ये तो इसको पता रहेगा, डायरेक्टली कनेक्टेड वाला सबको पता रहता है, ठीक है? तो आसपास में डायरेक्टली कनेक्टेड को शेयर करते करते सब राउटर अपने टेबल को अपडेट कर लेता है, कैसे? डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम यही काम कर रहा था, ठीक है? लेकिन एक माइनर सा प्रॉब्लम यहाँ है जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? देखो मान लो इस नेटवर्क में, ये जो नेटवर्क हम देखे हैं अभी, ठीक है, इस नेटवर्क में मान लो ए के पास में एक पैकेट आया, ठीक है? यहाँ पर इसका कॉस्ट क्या था? इसका कॉस्ट O1 है, इसका कॉस्ट भी O1 है, ठीक है? ये दोनों O1 O1 था, देखिए हम लोग ऊपर में लिखा हुआ, ठीक है? ए के पास में टेबल में क्या लिखा हुआ है भाई, ए का टेबल है बहुत बड़ा, उस टेबल में क्या अलग अलग बहुत सारा एंट्री है, ठीक है? एक एंट्री क्या लिखा हुआ है कि ए से एक्स जाने में, एक्स जाने में कॉस्ट लगता है कितना, O1, वाया किसके, किसी का नहीं, एक कोई नहीं है, जरूरत ही नहीं है भैया, क्यों? डायरेक्टली कनेक्टेड है एक्स से O1, ठीक है? डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है? तब ए क्या देखा कि अच्छा डायरेक्टली कनेक्टेड है ही, कॉस्ट O1 लग रहा है, यहां पर ए के पास पैकेट आया, ये इसको पैकेट को फॉरवर्ड कर दिया, कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा बात है, कर दिया भाई, जहां पहुंचना था डेस्टिनेशन के पास में पहुंचा दिया, ये काम कर दिया। अब देखो, आप देखो एक केस और देखो, अब बी के पास में आया एक पैकेट, ठीक है? बी क्या आया भाई, ए भी पैकेट को कहां जाना है, एक्स जाना है, ठीक है? बी के पास में जो टेबल है वो टेबल कहां से बना हुआ, एक्स के लिए, देखो एक्स है जो ए से डायरेक्टली कनेक्टेड है, बी से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो बी कैसे बनाया होगा टेबल, ए से टेबल लिया होगा, ए से ए का टेबल में से ए लिया होगा, ए का टेबल, ठीक है? बी देखा होगा क्या कि अच्छा ए से एक्स जाने में O1 लगता है, अब बी पहले से क्या जानता है, ए से एक्स जाने में O1 और बी से ए जाने में कितना, O1, ठीक है? बी से ए जाने में O1 लगता है, तो बी क्या देखा कि एक्स जाने में ए से O1 लग रहा है, और हमको है जो ए जाने में O1 लग रहा है, तो हमको एक्स जाने में कितना लगेगा, तो ए से जितना लग रहा है हमको जितना लग रहा है ए जाने में, इस दोनों को हम ऐड कर देंगे, कितना, O1 + O1 = 2, मतलब बी देखा क्या कि एक से जाने में हमको कितना लगेगा, अब 2 लगेगा, ठीक है? ये अपना टेबल ऑपरेट कर लिया, हंसी खुशी एकदम, खुशी खुशी खुशहाल हो गया, ए को थैंक यू भी बोल दिया कि थैंक यू तुम टेबल दे दिया ना, बहुत अच्छा काम किया, हम अपना टेबल कर लिए भाई अपडेट, ठीक है? अब पैकेट आया इसके पास, ए यहाँ पर एक फोटो बना लो ऐसा, एक यहाँ पर ऐसा कर लो, ठीक है? यहाँ पर लो पैकेट के जगह पर, यहाँ भी ऐसा एक कर लो, लगे पैकेट जैसा, थोड़ा सा ऊपर में नहीं है, ठीक है? पैकेट आया, अब देखो क्या, पैकेट आया कहाँ जाना है इसको, इसको जाना है एक्स के पास में, ये क्या किया, बी जाने रहा है कितना लगेगा, कॉस्ट 2 लगेगा, बी है जो किसके भाया जाना, देखो भाया ए जाना है, मतलब क्या एक्स जाने का कॉस्ट कितना, 2, भाया किसका, ए के भाया जाना है, ठीक है? ये अपना टेबल में देखा कि अच्छा रास्ता है ही, इस पैकेट को फॉरवर्ड कर दिया, यहाँ एक्स को पहुंचा दिया, कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ है, ठीक है? अब देखो क्या प्रॉब्लम होने वाला, अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब क्या कुछ प्रॉब्लम होने वाला, देखो क्या प्रॉब्लम होगा, जो बी से ए है, नहीं एक सेकंड, यहां पर कुछ मिस्टेक किया हुआ है, बता रहे हैं क्या मिस्टेक है, यहां क्या है, पैकेट कम्स टू ए बट रुक जाओ यार, इसको अच्छा से ही बना देते हैं, चलो
है, ए क्या है, एक्स है, ठीक है। ए क्या हो गया, मतलब क्या समझ रहे हो? पैकेट पी है, जो पैकेट है इसको पैकेट लिख लो, पैकेट ठीक है। पैकेट पी कम्स टू ए के पास में पैकेट आता है, पैकेट आता है, लेकिन ए से एक्स का जो लिंक है वो ब्रोकन है। मतलब क्या है? ए से जो एक्स वाला लिंक है, देखो ये लिंक ब्रोकन हो गया है, ठीक है। ये लिंक है जो ब्रोकन हो गया है, ठीक है। ये जो लिंक था यहाँ, ये टूट गया, ठीक है। अब ये टूट गया है, लेकिन ए का टेबल में भी लिखा हुआ है एक्स, और अभी अपडेट नहीं किया है अभी तक, ये भी अपडेट नहीं किया, ठीक है। इसके पास में आया, ये क्या देखा कि अरे ये टेबल देखा, फिर देखा कि अरे ये तो लिंक ब्रोकन है, नहीं जा सकते हैं। तो ये क्या सोचा कि अच्छा कोई दूसरा रास्ता है क्या। ये क्या किया, बी से पूछा, सुनो ना, एक्स को पैकेट भेजना है, जो तुम अपना टेबल दो ना हमको। तो बी क्या किया, बोला अच्छा बात है, तुम हमको टेबल दिया था ना, हम भी तुमको हेल्प करेंगे। बी अपना टेबल दे दिया। बी अपना टेबल क्या दिया भाई, बी के टेबल में क्या लिखा हुआ था, एक्स जाने का रास्ता कितना है, कॉस्ट 2 है। ये समझ गया कि अच्छा बी से, बी को जाने का रास्ता है एक्स के पास, मतलब क्या हम अपना पैकेट उसी रास्ता से भेज देते हैं। मतलब क्या ये सोचा क्या कि पहले हम बी को भेजेंगे और फिर बी के थ्रू एक्स चला जाएगा, क्यों, क्योंकि बी तो बोल ही रहा है कि कॉस्ट 2 में पहुंचा देंगे हम, कॉस्ट 2 लगने पर हम पहुंचा देते हैं, बी बोल ही रहा है इसे, ठीक है। बस क्या किया, ये अपना टेबल को अपडेट कर दिया, क्या भाई कि ए से बी जाने में कॉस्ट कितना 1, और बी से एक्स जाने में कॉस्ट कितना 2। तो क्या लिख लिया, ए है जो एक्स जाने में कॉस्ट कितना 3, वाया किसका, वाया बी, कर लिया अपडेट। जैसे ही ए है जो ये अपडेट किया, बी देखा क्या, अरे तुम अपना अपडेट किया है, ला ना हम भी अपडेट कर लेते हैं, ठीक है। ये टेबल इसको दे दिया, देखो ये दोनों क्या कर रहा है मूर्खता, यही टेबल इसको दे दिया। अब बी क्या किया, बी देखा कि अच्छा ए को एक्स जाने में 3 लग रहा है और हमको ए तक जाने में 1 लगता है, मतलब टोटल कितना हो गया, 3 + 1 = 4। मतलब बी देखा कि अब हमको एक्स जाने में 4 लगेगा भाया ए। फिर ये देखा क्या, अरे तुम फिर से अपडेट किया, हमको भी दो, हम भी करेंगे फिर से। ये फिर से इसको दिया भाया बी, मैंने यहाँ पर क्या है, बी के थ्रू जाने में एक्स का 4 लग रहा है, ए से बी जाने में कितना 1, टोटल 1 + 4 क्या हो गया, 5 आ गया। फिर ये कर लिया अपना अपडेट के सेम तरीका से 6, फिर ये बढ़ा लिया, फिर ये बढ़ा लिया, फिर ये बढ़ा लिया, दोनों अपना अपडेट करते जा रहा है, पैकेट यहाँ रखा हुआ है अभी, समझो बात को, ये लोग बेशरम आदमी क्या कर रहा है, पैकेट अभी तक यहाँ रखा हुआ, पैकेट नहीं क्या, अभी तक ये दोनों को दोनों है जो अपडेट कर रहा है, टेबल अपडेट करने में बिजी है, टेबल अपडेट किए जा रहा है, किए जा रहा है, कब तक करेगा ये कभी रुकने वाला है चीज, कभी नहीं रुकेगा ये, कभी नहीं रुक सकता है। इसको ही बोलते हैं काउंट टू इनफिनिटी प्रॉब्लम, ठीक है। ये क्या है, कंटिन्यू इन रोटेशन, और इस प्रॉब्लम को बोलते हैं क्या, इस प्रॉब्लम को दिस प्रॉब्लम इज नोन एज काउंट टू काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम बार बार अपडेट किए जा रहा है, गलत चीज का अपडेट किए जा रहा है दोनों, ठीक है, इसको बोलते हैं काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम, ठीक है। ये कहाँ आता है भाई, ये कहाँ आता है, डायनेमिक में जब हम वेक्टर टेबल को फाइंड करते हैं, जब हम वेक्टर टेबल को फाइंड करते हैं, वहां पर जब एक लिंक ब्रोकन रहता है और वो अपडेशन नहीं होता है टेबल में, तो बार बार गलत डेटा को यूज करते हुए, गलत डेटा को यूज करते हुए टेबल को अपडेट किया जाता है, कहां पर, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में, ठीक है। कहां पर प्रॉब्लम आता है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम आता है, क्यों, क्योंकि जब कोई लिंक ब्रोकन रहे
वो क्या करता है, गलत डेटा को यूज करके प्रीवियस जो डेटा है उसको यूज करके बार बार टेबल को अपडेट करते जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहां देखो बी के पास में डेटा है कहां से आया था, ये डेटा है जो ए से ही लिया था, कब, इस लिंक ब्रोकन होने के पहले, प्रीवियस डेटा है, उस प्रीवियस डेटा को अभी भी यूज कर रहा है, जबकि अब कुछ और हो चुका है, यहां पर लिंक ब्रोकन हो गया, अपडेट कुछ और करना चाहिए, ए को बोलना चाहिए था क्या कि नहीं मेरा से तो एक से जाने का रास्ता नहीं है, ए को बोलना चाहिए साफ साफ मेरा से एक से जाने का रास्ता ही नहीं है, हम कैसे बताएं, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो यही काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम कहां पर आता है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में, ये इसका डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग का ड्रॉबैक है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कैसे किया जाएगा, ये हम अभी आने वाले क्लास में देखेंगे। आज के क्लास में थोड़ा टाइम वेट करो, थोड़ा टाइम बाद ये चीज हम बताते हैं कि ये प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एक और मेथड होता है स्प्लिट होरिजन मेथड होता है, ठीक है, उसमें होता क्या है, सिंपल जान लो, सिंपल जानो, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या रहा था कि ये है जो बी से जब टेबल मांगा, बी ए को टेबल दे दिया था, यही टेबल दे दिया था, लेकिन स्प्लिट होरिजन मेथड में क्या है कि बी बोले क्या, ठीक है हम टेबल देते हैं तुमको, लेकिन ए वाला एंट्री हम नहीं देंगे तुमको, क्यों, क्योंकि इस एंट्री में क्या है, एक से जाते हैं टू लेकर, किसके थ्रू, वाया ए, तुम्हारे थ्रू ही हम ए जा रहे हैं एक्स को, वाया ए ही हम एक्स को जा रहे हैं, तो ई तो तुम ही से ना हम डेटा लिए थे तब ना हम अपडेट किए हैं, मेरा डेटा तो नहीं है, ई तुमको हम काहे देंगे, समझ रहे हो बात को। बी क्या बोला कि डेटा है जो तुम ही से ना हम लिए हैं, ए से ही नहीं डेटा हम लिए हैं, वाया ए तभी तो हम जा रहे हैं, तो वाया ए वाला है जो भी जितना भी एंट्री है वाया ए वाला वो है जो इसको ट्रांसमिट नहीं करेगा, उसके अलावा बाकी सब दे देगा, ये तो क्या देखेगा, ये ए देखेगा क्या कि अच्छा बी के पास में तो एक से जाने का रास्ता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ए वाला एंट्री दिया ही नहीं था, तो जब देखा कि बी के पास में भी रास्ता नहीं है, डायरेक्ट लिंक ब्रोकन हो ही गया, ये समझ आया क्या कि अच्छा मतलब मेरे से एक से जाने का रास्ता नहीं है, लिंक फेल्योर बता देगा वो, लिंक फेल्योर में क्या रहेगा, पैकेट को ड्रॉप करेगा, तो कौन आएगा बीच में, आईसीएमपी आएगा, जो पहले हम बताए हैं, आईसीएमपी आएगा, आईसीएमपी क्या करेगा, सेंडर एड्रेस लेगा, उसको बता देगा क्या कि लिंक फेल्योर हो गया है, पैरामीटर प्रॉब्लम बोल लो, ठीक है, लिंक फेल्योर हो गया, उसको मैसेज भेज दिया सोर्स को कि लिंक फेल्योर है, ठीक है, समझ रहे हो कैसे काम करेगा, ये कहां पर ऐसे होगा, ये वाला एंट्री कब नहीं देगा, उसको बोलते हैं क्या, स्प्लिट होरिजन मेथड, ठीक है, आगे हम बता रहे हैं, इसको एक्सप्लेन करेंगे, लिखा हुआ भी नोट्स में है भी, ठीक है, ये ओवरव्यू समझ गया किस तरीके से काम करेगा वो, ठीक है, चलो आगे आते हैं, हम लोग इसके थ्योरेटिकल अप्रोच को देख लेते हैं थोड़ा। ड्रॉबैक ऑफ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग इज व्हेनेवर लिंक इज ब्रोकन देन नेवर राउटर्स आर गिविंग अ फॉल्स इंफॉर्मेशन दैट दे नो हाउ टू रीच द ब्रोकन लिंक, समझ रहे हो बात, यही चीज था, जब लिंक ब्रोकन हो गया तो नेबरिंग राउटर क्या किया, गलत इंफॉर्मेशन दे दिया कि हम जा सकते हैं वहां पर, तो क्या जा सकता है, बी क्या जा सकता है, ए के भाया जाना है उसको, ए ओरिजिनल लिंक ब्रोकन हो गया, वो गधा आदमी नहीं समझा, समझ रहे हो बात को, नॉर्मल एकदम समझना है, चलो। सो द राउटर विल डिपेंड ऑन दैट एंट्री एंड टेबल इज अपडेटेड विद द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन से टेबल बार बार अपडेट किया जा रहा है, ठीक है, देन अदर राउटर्स ऑल्सो फील्ड द रॉन्ग एंट्रीज, फाइनली द नेटवर्क विल कोलैप्स, दिस प्रॉब्लम इज नोन एज काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम, ठीक है, ये क्या करेगा, ये बार बार होते रहेगा, इनफाइनाइट टाइम चलेगा, नेटवर्क कोलैप्स कर देगा, बार बार कुछ फॉरवर्ड ही नहीं हो रहा है, दोनों को दोनों टेबल अपडेट करने बैठा हुआ, आई दोनों कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि और भी जितना राउटर है ई लोग का टेबल लेके वो लोग भी अपडेट करते रहेगा, पूरा सिस्टम यही करते रह जाएगा, पूरा सिस्टम यही अपडेट ही करते रह जाएगा, समझ लो, जैसे ये दोनों अपडेट कर रहा है, तो मान लो ए से और कोई कनेक्टेड रहता, बी से और कोई अगर है, ठीक है, तो वो सब भी तो अपना टेबल अपडेट करना शुरू कर देगा, ये दोनों को देखेगा तो, समझ रहे हो बात को, तो सब अपडेट ही कर रहा है, कोई पैकेट फॉरवर्ड कर ही नहीं रहा है, आवारागर्दी एक तरह का हो गया, समझ रहे हो, ठीक है, चलो। यूजिंग द फॉल्ट टॉलरेंस टेक्निक पैकेट कैन बी राउटेड टू द करेक्ट डेस्टिनेशन, ठीक है, यहाँ पर एक क्या रहेगा, देखो एक फॉल्ट टॉलरेंस के लिए एक और लाइन है, ये हमेशा रहेगा, नेटवर्क में फॉल्ट टॉलरेंस रहता ही है, ठीक है, एक और लाइन है, इसके थ्रू में डेटा क्या है सेंड भैया अदर लिंक, ये क्या है फॉल्ट टॉलरेंस है, ठीक है, जब पता चल जाए कन्फर्म हो जाएगा, जब ए को देखो पहले की प्रॉब्लम क्या था, आप कुछ लोग सोचे क्या ए, तो इतना कहानी क्यों बनाए, पहले ही इसे फॉल्ट टॉलरेंस में भेज देते, ए मान कहा रहा था कि नहीं जाएगा, बताओ ए है जो ए राउटर है
मान नहीं रहा था ना कि मेरे पास में रास्ता नहीं है, ये देखा कि रास्ता टूटा हुआ है, फिर भी किया क्या बदमाशी, ये दूसरा से टेबल मांगने चला गया। ये भी हीरो आदमी था, ये अपना टेबल इसको गलत टेबल इसको दे दिया, ये कर लिया अपना ऑपरेट कर लिया है, ठीक है ट्राई करते जा रहा है। जब लास्टली ये स्प्लिट हॉरिजॉन मेथड से जब ऑपरेट करेगा टेबल कि भैया ये अगर ये को टेबल देना है तो भैया ये वाला नहीं देना है, तो उस केस में क्या होगा, ये में आया कि ये एक से है जो अनरीचेबल है, ये का टेबल में आ जाएगा कि एक अनरीचेबल है, तब जाकर ये मानेगा कि अच्छा एक से हम नहीं जा सकते हैं डायरेक्टली, तब क्या यूज करेगा, तब फॉल्ट टॉलरेंस के लिए जो लिंक है उस लिंक को ये यूज करके पैकेट को सेंड करेगा, जब मानेगा तब, तो जब मान ही नहीं रहा है तब, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया, ये प्रॉब्लम समझ में आ गया, आप देखो इसके आगे आते हैं। ये फॉल्ट टॉलरेंस तक का समझ में आ गया है, इसके बाद में देखो क्या है, ये एक बात समझो, दो टाइप का सिस्टम होता है, मतलब जो पैकेट का राउटिंग होता है दो टाइप का होता है, एक इंटर डोमेन एक इंट्रा डोमेन, ठीक है। इंटर डोमेन का मतलब क्या है कि सेम एक ही जगह में, एक ही जगह में, इंटर डोमेन मतलब क्या है कि सेम एक सिस्टम बना हो उसी सिस्टम में काम कर रहे हैं, उस सिस्टम से बाहर किसी और सिस्टम से अगर हम कॉन्टेक्ट कर रहे हैं वो क्या हो गया, इंटर डोमेन हो गया। इंट्रा मतलब सेम इंटर फैमिली झगड़ा हो गया, मतलब क्या एक फैमिली का दूसरे फैमिली से झगड़ा हो गया है, इंट्रा फैमिली तो फैमिली में आपस में झगड़ा हो गया है, इंटर कंट्री एक कंट्री का दूसरे कंट्री से होना, इंट्रा कंट्री कंट्री के इनसाइड में झगड़ा हो गया है, ठीक है आपस में झगड़ा हो गया है, ठीक है इस समझ में आ रहा है। यही चीज है देखो क्या, एक है एस वन मान लेते हैं कि एक ऑटोनोमस सिस्टम है, ठीक है ये अपना एक ऑटोनोमस सिस्टम है, यहां पर एक और ऑटोनोमस सिस्टम है, ठीक है। अगर इस सिस्टम में ही अगर कम्युनिकेशन इस तरीके से होगा कि यहां से डेटा जा रहा है यहां से डेटा जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल, ये क्या होता है इंट्रा डोमेन होता है, ठीक है। अगर एक ऑटोनोमस सिस्टम से दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम में अगर डेटा जा रहा है इसको हम लोग बोलते हैं इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। इंट्रा डोमेन और इंटर डोमेन क्लियर हो गया। अब इंटर डोमेन में कौन कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेंगे भाई, तो इंटर डोमेन में क्या है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग को यूज करते हैं और लिंक स्टेट राउटिंग को यूज करते हैं। ये दोनों जो एल्गोरिथम है, डायनेमिक में क्या क्या बताए थे, डायनेमिक में हम तीन चीज बताया क्या, एक डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, एक लिंक स्टेट राउटिंग, एक पाथ वेक्टर राउटिंग, ठीक है। तो पाथ वेक्टर कहां काम करेगा, इंटर डोमेन कम्युनिकेशन जो होगा, इंटर डोमेन राउटिंग होगा तब काम करेगा, ठीक है। इंट्रा डोमेन रहेगा तब डिस्टेंस वेक्टर या फिर लिंक स्टेट, दोनों में से कोई भी यूज कर लो, ठीक है। तो डिस्टेंस वेक्टर जो होता है ये क्या है, किसके अंडर में है, आरआईपी। आरआईपी मतलब क्या है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। यहां पर क्या है, ओएसपीएफ में क्या यूज होता है, लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिथम। ओएसपीएफ मतलब क्या है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फॉरवर्डिंग, ठीक है। सेम उसी तरीके से बीजीपी क्या है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, ठीक है ये समझ में आ रहा है। तो ये समझ में आ गया कि डायनेमिक एल्गोरिथम जो भी हम देखे थे वो कहां यूज होगा, इंट्रा डोमेन है तो डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट, इंटर डोमेन है तो पाथ वेक्टर, ये समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यही डिस्टेंस वेक्टर अभी हम बता रहे थे लास्ट जो भी कंप्लीट किए ऊपर का टॉपिक, ये क्या था, डिस्टेंस वेक्टर ही था यहां पर, ठीक है ये समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं यहां, तो कोई डाउट नहीं। अब देखो इसके आगे आते हैं हम लोग, इसके आगे आते हैं, यहां पर देखो क्या है, द पैकेट्स आर राउटेड फ्रॉम राउटर इन वन ऑटोनोमस सिस्टम टू ए राउटर इन सेम ऑटोनोमस सिस्टम। सेम ऑटोनोमस सिस्टम के राउटर के बीच में अगर कम्युनिकेशन हो रहा है देन इट इज नोन एज इंट्रा डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। या फिर द पैकेट आर राउटेड फ्रॉम राउटर इन वन ऑटोनोमस सिस्टम टू राउटर इन अदर ऑटोनोमस सिस्टम देन इट इज इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल। सेम जो अभी बता रहे थे दोनों सेम वही चीज लिखा हुआ है स्टेटमेंट के फॉर्मेट में, ठीक है। अब आते हैं लिंक स्टेट राउटिंग में कि लिंक स्टेट राउटिंग क्या है, ठीक है। देखो लिंक स्टेट राउटिंग में क्या है, हम लोग फ्लडिंग का यूज करते हैं, जो फ्लडिंग था उसका यूज करते हैं यहाँ पर। क्या भाई, ये सिंपल देखो होता क्या है, इसमें क्या है लास्ट वाले में क्या है कि टेबल लेना पड़ता है दूसरे से, ए है जो बी से टेबल लिया, सी से लिया, डी से लिया टेबल लिया उससे, ठीक है। यहाँ क्या होता है,
एक रेगुलर इंटरवल पर, एक रेगुलर इंटरवल पर, एक रेगुलर टाइम इंटरवल पर बहुत ही कम टाइम है, वो इंटरवल बहुत छोटा इंटरवल है। हमेशा ही एक LSP पैकेट, लिंक स्टेट प्रोटोकॉल पैकेट, हमेशा ही सब राउटर को मिलते रहेगा फ्लडिंग के थ्रू। फ्लडिंग के हेल्प से, फ्लडिंग मेथड क्या था, जितना रास्ता है सब रास्ते में भर दो, फ्लड कर दो, बाहर आ जाना। फ्लडिंग मतलब क्या, वर्ड क्या है, बाहर आ जाना, सब रास्ते में पैकेट भर दिया। वही चीज है जो लिंक स्टेट प्रोटोकॉल पैकेट है, इसको फ्लड कर दिया जाता है हमेशा ही एक रेगुलर इंटरवल पर। ये पैकेट करता क्या है, ये पैकेट में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो है उस नेटवर्क का रहता है, ठीक है। इस पैकेट में क्या रहेगा, इस पैकेट में इस नेटवर्क का, कंप्लीट नेटवर्क का लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रहता है यहाँ पर। अब वही इंफॉर्मेशन को फ्लडिंग कर दिए हैं, सब राउटर को मिल गया डायरेक्टली, उसको देखेगा सब अपना राउटर, उसके अकॉर्डिंग अपडेट कर ले, देखा कुछ नया चीज आया है तो अपडेट कर लिया अपना टेबल। मतलब क्या है, हमेशा ही अपना टेबल को अपडेट करते रहेगा। डिस्टेंस वेक्टर में क्या था, लिंक ब्रोकन था, लिंक टूट गया था, लेकिन बगल वाला से पूछा, बगल वाला भोंदू आदमी था, उसको बता दिया कि हाँ हम जा सकते हैं एक्स को, गलती हुआ था, ठीक है, तो काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम आ गया था। यहाँ पर क्या है भाई, वैसा प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि रेगुलर इंटरवल पर एक सबको पैकेट मिल रहा है, LSP पैकेट। ये जनरेट कौन कर रहा है LSP पैकेट, ये राउटर ही जनरेट कर रहा है, कोई और बाहरी आदमी नहीं कर रहा है, राउटर खुद ही जनरेट कर रहा है और सबको दे दे रहा है जो इंफॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन है उस नेटवर्क के बारे में, सबको हमेशा रेगुलर टाइम इंटरवल पर दिए जा रहा है। मतलब क्या है, कहीं अगर लिंक टूट जाए कोई, उसका तुरंत में इन्फॉर्मेशन सबको पहुंच जाएगा, सब डॉक्टर जान जाएगा, अच्छा वो लिंक है जो, एक पर्टिकुलर लिंक है जो टूट गया है, ठीक है। ये समझ में आ गया, यही चीज है LSP पैकेट क्या है। मान लो A to C है जो लिंक ब्रोकन हो जाए, ठीक है, A to C है जो लिंक ब्रोकन हो गया, तो LSP पैकेट से देखो सबके पास चला गया, क्या है, LSP सेंड टू ऑल राउटर्स बाई फ्लडिंग, फ्लडिंग के हेल्प से सबको सेंड कर दिया गया, ठीक है। अब सब समझ गया कि अच्छा ACC है जो लिंक ब्रोकन है, अब मान लो ACC कोई पैकेट जाना है तो कैसे जाएगा, एक फॉल्ट टॉलरेंस वाला तो है ना साथ में, देखो यहाँ फॉल्ट टॉलरेंस वाला यहाँ पर लिंक है। अब मान गया ना, प्रॉब्लम क्या था पिछले वाला में, पिछला वाला में ये मान ही नहीं रहा था कि A से हम X नहीं जा सकते हैं डायरेक्टली, मान ही नहीं रहा था वो, तब प्रॉब्लम आया था। यहाँ क्या है, LSP पैकेट से समझ गया है, अच्छा लिंक तो ब्रोकन हो ही गया ना है, तो जा नहीं सकते हैं हम, तो कैसे क्या यूज करेंगे, तो फॉल्ट टॉलरेंस के लिए लिंक होगा अलग से, उसका यूज कर लेंगे, तब तक ये रिपेयर हो जाएगा बाद में, ठीक है, समझ रहे हो। बस यही चीज है, अब है जो फॉल्ट टॉलरेंस का जो लिंक है उसको यूज कर लिया जाएगा, ठीक है। अब ये जो रहता है, ये जो नेटवर्क होता है कंप्लीट, ये जो कंप्लीट नेटवर्क रहता है, ये क्या होता है, जो फ्लडिंग करेंगे LSP पैकेट का, जो फ्लडिंग करेंगे ये इस नेटवर्क में नहीं फ्लडिंग किया जाएगा, इस नेटवर्क को एक मिनिमल ट्री बनाया जाएगा। मिनिमल ट्री कैसा बनता है भाई, स्पैनिंग ट्री टाइप का, रफली बोलो, रफली हम बोल रहे हैं तो स्पैनिंग ट्री टाइप का। स्पैनिंग ट्री में क्या था, केवल एज वेट को कंसीडर करते हैं, यहाँ पर और भी बहुत सारा चीज को कंसीडर करते हैं, रफली एग्जैक्टली हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं कि अच्छा इसका स्पैनिंग ट्री बना लो, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं। स्पैनिंग ट्री रहता क्या है, मिनिमम कॉस्ट रहना चाहिए, बस वही चीज यहाँ भी रहता है, वही चीज यहाँ पर, वहां पर कॉस्ट क्या है, एज वेट केवल होता है। यहाँ पर क्या है, कुछ और भी चीज रहेगा, जैसे क्या, एज वेट हो गया जो वैल्यू हो गया, प्लस में हॉप हो गया, मतलब क्या है, ए से बी जाने का 1 hop, बी से डी जाने का 1 hop, तो ए से डी जाने में कितना हॉप लगा है, 1, 2, ठीक है। कॉस्ट कितना भाई, यहां से 4, यहां से 5, कितना कॉस्ट, 9। मान लो अगर ए से सी लिंक ब्रोकर नहीं रहता तो यहां से कितना हॉप, 1 hop 2 hop, 2 hop में यहां चले आए, कॉस्ट कितना, 1 + 2, हॉप दोनों साइड सेम है, कॉस्ट है जो इस साइड कम है, तो इस साइड से पैकेट आएगा, ठीक है, या ऐसे पैकेट आ जाएगा, ठीक है, बस यही चीज है, समझ रहे हो आराम से। अब देखो इसमें क्या होगा, जो ए से सी का लिंक था, देखो ए से सी लिंक था जो अभी बी के टेबल में लिखा हुआ था, क्या 11:20 में लिखा हुआ था क्या कि ये सही है, फिर थोड़ा देर बाद आया क्या 11:22 लिख लो इसको, 20 नहीं लिखो, थोड़ा सा डिले हुआ मान लो, ठीक है, अब माइनर डिले ही होता है, हम ऐसे नॉर्मली एक टाइम लिख रहे हैं, थोड़ा सा इंक्रीज करके लिख रहे हैं बस, कि जो होता क्या है कि LSP पैकेट जब आ रहा होगा तो LSP पैकेट में टाइमिंग भी मेंशन होता है,
कि ये जो पैकेट है कब जनरेट किया गया है, ठीक है। तो 11:20 में जनरेट करके जो पैकेट आया उसमें क्या लिखा हुआ था कि एसएससी लिंक है, यहाँ ऑपरेट हो गया। 11:22 में जो आया उसमें क्या लिखा हुआ कि एसएससी लिंक नहीं है, टूट गया है, यहाँ ऑपरेट कर ले कि एसएससी लिंक टूटा हुआ है। अब अगर सी भेजना है तो ए के थ्रू कभी ना भेजेंगे अब, नहीं तो पहले क्या करता बी, बी क्या करता कि ए के थ्रू यहाँ सी को भेजता। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो कॉस्ट कितना है, 4+1 5 कॉस्ट लगा, इस साइड से 5+2 7 लगा, सस्ता कौन है, 4+1 वाला, ठीक है। मतलब बी से अगर सी जाने के लिए पैकेट आता तो इस साइड से ऐसे भेजता, कौन, बी इस टेबल को देखकर। लेकिन अब अपडेट कर लिया कि ए से सी लिंक टूट गया है, तो क्या करेगा, अब बी से ए जाएगा ही नहीं, क्या करेगा बी, यू लिंक टूटा हुआ है तो अब डी के थ्रू ही भेजते हैं। अरे कॉस्ट ज्यादा भले ही लग रहा है, लेकिन कॉस्ट ज्यादा लग रहा है सही बात है, लेकिन लिंक तो है ना, ठीक है, अपना टेबल को अपडेट कर लेगा। और ये है जो हमेशा ही टाइम मेंशन रहेगा, जो भी एलएसपी पैकेट रहेगा उसमें क्या रहेगा, टाइम को हमेशा मेंशन किया जाएगा, कब किस टाइप पार्टिकुलर टाइम में ये पैकेट है जो जनरेट किया गया है, ठीक है, ताकि जो भी टेबल को अपडेट कर रहा है राउटर वो समझ जाए कि ये जो है एलएसपी पैकेट कब का इन्फॉर्मेशन हमको दे रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हाँ मेरे पास में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आया, पुराना इन्फॉर्मेशन आया, फ्लडिंग में क्या है पैकेट घूमते फिरते थोड़ा लेट में आया, मान लो क्या किसी जगह ट्रैफिक ऐसा रहे, ठीक है। ये कौन जनरेट करेगा, जनरेट एलएसपी पैकेट है जो राउटर ही जनरेट करता है, ठीक है, और फ्लडिंग के हेल्प से सब राउटर को जाएगा। तो यहाँ पर क्या काउंट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि रेगुलर इंटरवल पर अपडेट हो रहा है, रेगुलर इंटरवल पर ही अपडेट किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ के देखो एलएसपी पैकेट कंटेन्स द नंबर ऑफ राउटर, नंबर ऑफ लिंक, अप एंड डाउन लिंक, लैन नेटवर्क्स दैट आर कनेक्टेड। मतलब क्या है, एलएसपी पैकेट में सब कुछ रहेगा, कितना राउटर है, कितना लिंक है, अप जाने का लिंक क्या है, डाउन जाने का लिंक क्या है, जितना चीज है उस नेटवर्क में सब कुछ रहेगा उस पैकेट में, उसको देख के टेबल अपना अपडेट करेगा जो भी राउटर है, ठीक है। एलएसपी गिवन टू ऑल राउटर यूजिंग फ्लडिंग एल्गोरिथम, फ्लडिंग का यूज करके सब पैकेट को क्या जाएगा, एलएसपी सेंड किया जाएगा। क्यों, कि सब चाहता क्या है, जल्दी से जल्दी पहुंचे, फ्लडिंग क्या है तुरंत में पहुंचा देगा, जितना रास्ता है सब रास्ते भेज दिया गया है, ठीक है, तो फ्लडिंग का इसलिए यहाँ पर यूज होगा। फिर क्या है, एवरी राउटर विल अपडेट देयर राउटिंग टेबल विद द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दैट इज प्रोवाइडेड बाय द एलएसपी, ठीक है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड कर रहा है एलएसपी, ठीक है, अभी हम लोग देखे भी। सो व्हेनेवर द लिंक इज ब्रोकन दिस इन्फॉर्मेशन विल बी नोन टू ऑल राउटर्स इमीडिएटली विद द हेल्प ऑफ एलएसपी, सो देयर इज नो काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम। इसमें क्या है, काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम होगा ही नहीं, ठीक है, तो लिंक स्टेट प्रोटोकॉल में क्या काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में क्या था, डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम था, वहां पर क्या था काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम होता है, जिसको सॉल्व करने का एक तरीका सॉल्व करने का भी है, हम बताए भी थे ओवरव्यू कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम ही नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, एलएसपी पैकेट शुड बी जनरेटेड पीरियोडिकली विद द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, पीरियोडिक वे में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रोटेशन में बार बार जनरेट किया जाता है एलएसपी पैकेट, इस सबको अपडेट रहे, जितना भी राउटर है तो नेटवर्क के बारे में सब अपडेट रहे, सबका टेबल है जो अपडेटेड रहे, ठीक है। एलएसपी कंट्रोल पैकेट जनरेटेड बाई राउटर्स, एलएसपी जो पैकेट है ये राउटर ही जनरेट करेगा, कोई और जनरेट नहीं कर रहा है, ये राउटर ही जनरेट कर रहा है, ठीक है, सब अपना, अगर मान लो किसी का लिंक टूट रहा है या कुछ भी हो रहा है, अपडेट करके सबको भेज दे रहा है, ठीक है। बिफोर अप्लाइंग फ्लडिंग ग्राफ शुड बी कन्वर्टेड इनटू ट्री यूजिंग शॉर्टेस्ट पाथ ट्री एल्गोरिथम, ठीक है। ग्राफ जो है ये क्या है, एक तरह का ग्राफ है, ट्री नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो यहां पर एक साइकिल बन रहा है, देखो ए से सी डी बी ए, ये क्या है साइकिल, साइकिल का मतलब ग्राफ होता है, ट्री का मतलब साइकिल नहीं रहे, सब नोड कनेक्टेड भी रहे, जितना भी नोड, कितना नोड है, 1 2 3 4 5 नोड है, पांचों कनेक्टेड भी रहे और साइकिल भी ना रहे, ठीक है। ट्री मतलब होता है कि साइकिल नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब मान लो इसका ट्री हम ड्रॉ करेंगे, इसका ट्री कैसे ड्रॉ होगा भाई, सिंपल, देखो हाईएस्ट कॉस्ट किसका है, देखो इसका कॉस्ट हाई है, ये कॉस्ट हाई है, देखो साइकिल कहाँ कहाँ है, ये देखो एक साइकिल है, एक यहाँ साइकिल है, ये दोनों साइकिल को खत्म करना है। तो पहला साइकिल जो स्क्वायर वाला है, ये जो स्क्वायर है, इस साइकिल खत्म करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, या तो इसको हटा दो, 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 कोई एक हटा दो, कोई एक हटा दो, साइकिल खत्म हो जाएगा। किसको हटाएंगे, जो सबसे ज्यादा कॉस्ट है उसको हम हटाएंगे, क्यों, क्योंकि मिनिमम कॉस्ट चाहिए हम लोग को ना, ज्यादा कौन है यहाँ पर, 1 2 4 5
सबसे ज्यादा कॉस्टली कौन है, 5 है, तो इस लिंक को हम हटा दिए। अब साइकिल है क्या, देखो अब नहीं साइकिल है, अब ऐसा है ग्राफ कुछ ऐसा है, साइकिल एक साइकिल क्या है, स्क्वायर वाला साइकिल खत्म हो गया, अब क्या है ये ट्रायंगल वाला साइकिल अभी भी है, ये ट्रायंगल वाला साइकिल अभी भी है। क्या करेंगे, एक नोड को, एक लिंक को हटा दो, एक लिंक को हटा दो यहां से भी साइकिल से, साइकिल खत्म हो जाएगा। किसको हटाएंगे भाई, यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 5 है, किसको हटाएंगे, 5 वाले को हटाओ, कॉस्टली है उसको हटाओ, ठीक है। तो अब 5 ये भी 5 हटाए, ये भी है 5 हटाए, तो ट्री कैसा दिखेगा, मिनिमल ट्री कैसा दिखेगा, देखो ऐसे ऐसे ए है, ए है, ऐसा ट्री हो गया, ए हट गया है और ए हट गया है, ट्री का स्ट्रक्चर यही हो गया, ठीक है, समझ लो कैसे ट्री बनाना है। चलो अब इसके आगे आते हैं, देखो पाथ वेक्टर एल्गोरिथम में क्या है, पाथ वेक्टर एल्गोरिथम में क्या है, इसको क्या किया गया है, ट्री में कन्वर्ट किया गया, कैसे भाई, ए बी सी डी ई, नोड वही है, नोड अभी भी वही है, लेकिन ये 5 वाला था इसको हटा दिया गया, यहां पर हटा दिया गया, ठीक है। ये देखो O1 लिखा हुआ है, मतलब क्या है, एज्यूम ए है सोर्स, मतलब ए है जो LSP यहां कर देते हैं, LSP यहां से जनरेट किया जा रहा है मान लो, ठीक है। तो हुआ क्या, हुआ क्या, जो ए से सी जाने में कॉस्ट कितना, O1, ए से बी जाने में 4, ए से डी जाने में, पहले ए से सी जाएगा फिर यहां से डी जाएगा, कितना, 3, देख लो यहां पर ए से डी जाने में कितना लग रहा है, ए से डी आना है, देखो O1 + 2 = 3, फिर ई जाने में O1 + 1 = 2, ठीक है। तो ए से ई जाने में, ई जाने में कितना कॉस्ट कितना, 2, O1 + 1 = 2। तो ये जो नंबर लिखा हुआ है ये क्या है, सोर्स से वहां तक जाने का नंबर है, क्या है, कॉस्ट रिटर्न फ्रॉम सोर्स नोड, डेट इज टोटल कॉस्ट है। अच्छा कॉस्ट यहां पर है, कॉस्ट हो गए, ये कॉस्ट है, ठीक है, ये कॉस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। ट्री फॉर प्रीवियस ग्राफ नाउ LSP सेंड टू ऑल, अब इस ट्री में LSP सबको सेंड कर दिया जाएगा, इस ट्री में फ्लडिंग के हेल्प से LSP सबको सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये टेबल देखो, ये टेबल है, ये टेबल किसके पास में है, ये टेबल है ए के पास में, ए का ये टेबल है, क्या भाई, बी 4 लगेगा कॉस्ट, सी का 1 लगता है सी जाने में, डी जाने में 3, ई जाने में 2, ठीक है। ये टेबल किसका है, टेबल ऑफ ए कर लो, टेबल, टेबल ऑफ ए है, ए का ये टेबल है, ठीक है, एक इसका टेबल है, एक का टेबल है, ठीक है। वही यहां पर ग्राफ भी बना हुआ, वही ट्री बना हुआ है, ग्राफ है जो कन्वर्ट हो गया है ट्री में, तो अब जाकर LSP है जो सेंड किया जाएगा सबको, ये समझ में आ रहा है। अब एक और चीज बताओ, ठीक है भाई हम ग्राफ को ट्री में कन्वर्ट कर लिए, किसके अकॉर्डिंग, कॉस्ट को देखकर, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं, एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन देखो कि मान लो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाए, अच्छा इसमें एक चेंजिंग जानते हो क्या कर सकते हैं, इसको हम लेते हैं 5 ले लिए। चलो मान लो ऐसा क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में देखो, अगर ए को हम मानते हैं कि यहां से LSP सेंड करना है सबको, या क्या देखेंगे, ए से सब जाने का कॉस्ट, अब देखो ए से बी जाने के लिए कॉस्ट कितना, 5, एक रास्ता ए है, एक और रास्ता क्या है, यहां जाए फिर यहां जाए, कॉस्ट कितना, 2 + 3 कितना, 5, तो इस रास्ते में भी 5 और इस रास्ते में भी 5, दोनों रास्ता में कॉस्ट सेम है। तो जब कॉस्ट सेम आ जाए, कॉस्ट मतलब क्या है, डिले, ठीक है, जब कॉस्ट सेम आ जाए तब हॉप को देखना है, कितना हॉप में पहुंच रहा है, ए है जो डायरेक्ट पहुंच रहा है, इसमें क्या है, 1 यहां हॉप, फिर अगला यहां, इस रास्ते में 2 हॉप लग रहा है, इस रास्ते में 1 हॉप है, आसान कौन है, 1 वाला ही, कॉस्ट भले ही सेम है लेकिन हॉप सिंगल है, तो पहले डिले के अकॉर्डिंग करो, डिले अगर मैच कर जाए तो हॉप के अकॉर्डिंग करो, तब इसका ट्री क्या होगा बताओ, इसका ट्री कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, इसका ट्री के लिए यहां पर अगर लेंगे, यहां मेरा ए आ गया, ठीक है, बी कौन सा होगा, सिंगल हॉप वाला को ही फॉलो करेगा, ठीक है, यहां आ गया बी, उसके बाद यहां आ गया सी, ए से सी का कितना डिस्टेंस दिया हुआ है,
अच्छा ए से सी का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 2। ए से बी कितना है, 5। ठीक है, ए जो ट्री है, ए ट्री अब जाकर क्या बन गया, अबे मिनिमम मिनिमल कॉस्ट ट्री बन गया है, मिनिमल कॉस्ट ट्री ये बन गया है। ठीक है, समझ रहे हो, करना क्या है, पहले डिले के अकॉर्डिंग देखो, डिले अगर मैच कर जाए, अगर कॉस्ट मैच कर रहा है ठीक है, तब हॉप के अकॉर्डिंग देख लो। ठीक है, अब देखो एक और चीज क्या है कि डिले के अकॉर्डिंग देख लिए, हॉप के अकॉर्डिंग देख लिए, अगर हॉप भी मैच कर जाए तब, तो बैंडविड्थ के अकॉर्डिंग देखो, तो बैंडविड्थ के अकॉर्डिंग देखना है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखो, ए से डी जाना है, कैसे जा सकते हैं भाई, एक रास्ता यहाँ आए फिर यहाँ आए, एक और रास्ता यहाँ आए फिर यहाँ आए, दो रास्ता है। अब दोनों रास्ता को एनालाइज करते हैं, अगर हम इस रास्ते जाते हैं तो कॉस्ट कितना, 3 + 2 कितना कॉस्ट, 5। अगर इस रास्ते गए तो कॉस्ट कितना, 1 + 4 5। कॉस्ट दोनों का सेम है। हॉप कितना भाई, 1 hop, 2 hop इस रास्ते में भी, यहाँ से 1 hop, 2 hop इस रास्ते में भी, मतलब डिले भी सेम है, हॉप भी सेम है। तो कौन रोल प्ले करेगा यहाँ पर, बैंडविड्थ, बैंडविड्थ देखेंगे। यहाँ क्या है भाई, देखो 100 Mbps है, यहाँ से ए बैंडविड्थ 100 Mbps, इस रास्ते का कितना 70, ओवरऑल कितना हम बोल सकते हैं इस रास्ते में, यहाँ 100 है यहाँ 70, ओवरऑल कितना होगा, ओवरऑल इस रास्ते में जो मिनिमम है, मिनिमम क्या है 70 है, तो अगर इस रास्ते से आते हैं तो 70 बैंडविड्थ एवरेज हमको मिलेगा। ठीक है, इस रास्ते में कितना मिलेगा, देखो यहाँ 110 है, 100 से ज़्यादा है 110, लेकिन अगला 20 है, इतना दूर हम जल्दी ट्रांसफर कर भी दिएगा डेटा को, क्या फायदा, यहाँ तो स्लो ही है आगे, यहाँ तो स्लो ही है। इसका एवरेज कितना मिला इस रास्ते से हम लोग को, बैंडविड्थ 20 मिल रहा है, यहाँ 70 मिल रहा है, यहाँ 20 मिल रहा है, बेटर कौन है, ज़्यादा बैंडविड्थ वाला, मतलब क्या है 70 वाला रास्ता सही है मेरे लिए। तो डिले है क्या, मैच कर गया, हॉप मैच कर गया, तो बैंडविड्थ के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसे कैसे हम ड्रॉ करेंगे, इसके ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा यहां पर करते हैं लाबो, ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए हो गया, चलो ए हो गया, डी जाने का कैसे रास्ता, ये रास्ता है डी जाने का। ठीक है, इसके अंदर में क्या करेंगे, ए बी सी डी, कॉस्ट कितना है, 1, 3, 2। ठीक है, बाकी बैंडविड्थ भी लिख लो सबका। ठीक है, सेम चीज है, तो ए जो बन गया है, ए जो बन गया ट्री, ये क्या हो गया, अब ए ट्री बन गया, जो मिनिमल ट्री आ गया आंसर। ठीक है, इसका मिनिमल ट्री क्या है, यही है। ठीक है, समझ रहे हो किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना है, ऐसा एग्जाम में दे सकता है, एक ये दे दे, बोले क्या कि डिले हॉप बेनिफिट्स इस सीक्वेंस में फॉलो करो, मतलब अगर डिले मैच करे तो हॉप पर आ जाओ, हॉप मैच करे तो बेनिफिट्स में आ जाओ। ठीक है, इसका मिनिमल ट्री क्या होगा, इसको बोले क्या, इसको टेबल के फॉर्मेट में लिख दो, ऐसे टेबल के फॉर्मेट में, क्यों, क्योंकि ए से स्टार्ट करना है ना, तो ए से करना है स्टार्ट, तो बोले क्या ए से बी जाने में कितना, उसके बाद ए से सी जाने में कॉस्ट कितना, ए से डी जाने में कॉस्ट कितना, ठीक है, बी जाने में कितना 3, फिर सी जाने में 1, डी जाने में 5, यही टेबल बन गया, ये टेबल बन गया। क्या हो सकता है कि चार ऑप्शन में ऐसा डायग्राम दे दे। ठीक है, समझ रहे हो बात को, चलो इसके आगे आते हैं। अब एक और चीज देखो, क्या जो लिंक, मतलब एक राउटर किसी राउटर से कनेक्शन होता है, उस लिंक को क्या हम बोलते हैं, किस टाइप के लिंक को क्या बोलेंगे, लिंक का भी नेमिंग है। जैसे क्या, जैसे क्या, एक राउटर एक दूसरे राउटर से डायरेक्टली अगर कनेक्टेड है, इसको क्या बोलेंगे, ये है पॉइंट टू पॉइंट लिंक। ठीक है, सेम उसी तरीके से एक राउटर है जो किसी लैन से अगर कनेक्टेड है, ठीक है, इसको बोलेंगे स्टब लिंक, STUB स्टब लिंक है। ठीक है, सेम उसी तरीके से अगर एक राउटर है बहुत सारा ऐसे राउटर से कनेक्टेड है, इस तरह का सिस्टम बना हुआ है, तो क्या बोलेंगे इसको, ट्रांजिएंट लिंक। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर मान लो एक राउटर है
और ऐसा डॉटेड 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 कनेक्शन कहीं दिखाया हुआ है कहीं का, तो क्या बोलेंगे, वर्चुअल लिंक होता है ये, वर्चुअल लिंक होता है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, जैसे फॉल्ट टॉलरेंस के लिए यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो इसके बाद में देखो कि इंट्रा डोमेन राउटिंग होता किस तरीके से है, इंट्रा डोमेन राउटिंग होता किस तरीके से है। ठीक है, तो यहां पर देखो होगा क्या, अच्छा है, फिगर ज्यादा बड़ा है, फिगर बड़ा है, थोड़ा छोटा करे क्या मेरा, इतने फोटो आएगा, चलो दिख जाएगा इतना में। चलो यहां पर देखो क्या है, क्या है? देखो यहां पर ये एक ऑटोनोमस सिस्टम है। ठीक है, नहीं ये एक क्या है, एक अलग एरिया वन है, यहाँ पर एरिया टू है, यहाँ पर बहुत सारा लैन है, यहाँ भी बहुत सारा लैन है, आई टोटल जो है, ये टोटल जो है एक ऑटोनोमस सिस्टम है। ठीक है, ये टोटल क्या है, ये टोटल इतना बड़ा जो है एक ऑटोनोमस सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग एरिया में डिवाइडेड है। ठीक है, अब इस एरिया को इस एरिया से कनेक्ट करने के लिए कैसे कनेक्शन होगा, कि यहाँ पर एक राउटर रहेगा, क्या इसका नाम है, एरिया बॉर्डर राउटर। ये क्या है, एरिया बॉर्डर राउटर यहाँ नाम है इसका। ठीक है, ये क्या करेगा, एक एरिया को दूसरे एरिया से कनेक्ट करेगा, ये आया इस तरीके से। यहाँ पर एक है बैकबोन राउटर है, यहाँ क्या है, एक बैकबोन राउटर है, मतलब क्या है, दो एरिया को कनेक्ट करने वाला। ठीक है, ये क्या है, एक बैकबोन राउटर। किस तरीके से फिगर काम कर रहा है इसको एक बार समझ लो, थोड़ा और बड़ा करते हैं यार, तो इधर रहता है इतना देखते हैं, ऐसे रख के देखते हैं फिंगर। चलो ये समझ में आ रहा है। इसके बाद देखो क्या है, ये है बैक, अरे यार जैसे ही टच किया उधर चला गया, कोई दिक्कत नहीं, इतना समझो आराम से। ये है बैकबोन राउटर है। ठीक है, ये क्या है, बैकबोन एरिया है, ये जो बैकबोन केबल यहाँ पर है, और ये जो एरिया है ये क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, बैकबोन एरिया है। ठीक है, और ये जो लिंक है डॉटेड लिंक है, क्या बोले अभी, ये है वर्चुअल लिंक रहेगा। ठीक है, अब इस सिस्टम के लिए यहाँ पर जो एक राउटर लिया हुआ है, एक यहाँ जो अलग से राउटर दिया हुआ है, ये राउटर क्या है कि दूसरे सिस्टम से कनेक्ट होगा, दूसरा ऑटोनोमस सिस्टम से कनेक्ट होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, इस राउटर को ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। सेम इस तरीके से क्या है कि एक एरिया को जो बाउंड्री पर रहेगा वो क्या बन गया, एरिया बॉर्डर राउटर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, एक लैन से दूसरे लैन में अगर हो रहा है विद इन सेम एरिया, ठीक है, इसका टेबल अपना है एरिया वन का, एरिया टू का टेबल अपना है, इस एरिया वन का एक टेबल है, एरिया टू का एक टेबल है। ठीक है, तो यहाँ जो राउटर रहेगा एरिया बॉर्डर राउटर में, इसके पास में दोनों टेबल रहेगा, दोनों एरिया का, इस एरिया का भी टेबल है, इस एरिया का भी टेबल है, लेकिन इनसाइड में जो राउटर है इसके पास में केवल अपना ही एरिया का टेबल रहेगा। मतलब क्या है, इस लैन से अगर यहाँ सेंड करना है तो डायरेक्टली सेंड कर देगा इस राउटर के हेल्प से। क्यों, यहाँ पर एक टेबल है, इस टेबल में क्या है भाई, दिस टेबल कंटेन्स एंट्रीज ओनली ऑफ एरिया वन, एरिया वन जो है यहाँ से यहाँ तक इसका एंट्री इस टेबल में है। ठीक है, यहाँ पर जो राउटर है इसके पास जो टेबल है देखो ऐसा टेबल है, एक एरिया वन का टेबल, एक एरिया टू का टेबल। ठीक है, तो एरिया बॉर्डर राउटर में दोनों एरिया का, जो भी एरिया कनेक्टेड है वो सब एरिया का टेबल एरिया बॉर्डर राउटर में रहेगा, लेकिन जो ऐसा राउटर है जो पार्टिकुलर एरिया में ही केबल है वो अपने एरिया वाला का ही टेबल एंट्री रहेगा उसका। ठीक है, सेम इस साइड में भी वही चीज है, सेम इसका ही रिप्लिकेशन है एरिया का ये। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं एरिया जीरो। ये क्या है, एरिया जीरो है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई लैन कनेक्शन नहीं है, ये काम कर रहा है एक एरिया को दूसरे एरिया से कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पर क्या है, बैकबोन केबल है, बैकबोन राउटर देखो यहाँ पर है। ठीक है, ये राउटर जो दो एरिया को कनेक्ट कर रहा है क्या है, बैकबोन राउटर इसको बोलेंगे। ठीक है, जो बाउंड्री पर एकदम है कि दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए, उसको क्या बोलेंगे, ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। ठीक है, ये समझ में आ गया। इस तरीके से इंट्रा डोमेन जो रहेगा एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर में इस तरीके से कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, दूसरे में कम्युनिकेशन करना है किसी और इंटर डोमेन करना है, मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में करना है। यहाँ पर क्या है, अपना एक सिस्टम है, इसमें अभी तक कर रहे थे, अगर दूसरे सिस्टम में करना है तो क्या करना होगा, इंटर डोमेन राउटिंग करना होगा हम लोग को, कि एक ऑटोनोमस सिस्टम से दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम में सेंड करना है कुछ भी डेटा। ठीक है, वो भी हम लोग आगे देखेंगे अभी। ठीक है, यहाँ पर देखो एक चीज बताओ, जैसे एरिया जीरो था, क्या था,
एरिया जीरो था, बहुत सारे एरिया को कनेक्ट कर रहा था, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो एक एरिया मान लो है O1, O1 है जो एरिया 3 के किसी सिस्टम को कुछ डेटा सेंड किया, क्या कैसे जाएगा, एरिया जीरो, एरिया जीरो से यहाँ सेंड किया जाएगा, एक ही करना होगा, ठीक है। अब एक चीज बताओ, मान लो एरिया 3 में टोटल 16 कंप्यूटर है, 16 सिस्टम है अगर, ठीक है, अगर टोटल एरिया 3 में, अगर एरिया 3 में 16 अगर सिस्टम है, ठीक है, तो क्या करेगा, जब डेटा गया है 16 से कंपेयर करेगा, 16 से देखो, हालांकि इसमें बना हुआ ज्यादा है 16 से, लो अब 16 बचा, ज्यादा है, अभी ज्यादा है शायद, लाओ थोड़ा मोटा इसको हम बना ही देते हैं और ऐसा बना देते हैं, लो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 16 हो गया, ठीक है। ये मान लो 16 है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सिस्टम है जो 16 है, ठीक है, जब पैकेट आया तो 16 से कंपेयर करना होगा, एटलीस्ट 15 से तो करना ही होगा, ठीक है, 15 से की अगर नहीं मिला तो लास्ट समझ के अच्छा लास्ट ही होगा सर, ये कर सकते हो, वर्स्ट केस में मतलब बेस्ट केस अगर सोचा जाता है कर सकते हो, नहीं 16 से करो कंपेयर, ठीक है, उसका आईपी एड्रेस लो, सबसे कंपेयर करते रहो, यही काम करोगे ना, यही काम करना है, ठीक है। अब बताओ यहाँ टोटल नंबर ऑफ कंपेरिजन कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक है। अगर मान लो हम ऐसा करते हैं कि ये सबको एक ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं, ए ग्रुप एक हो गया, ऐसा ग्रुप, एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा ग्रुप, चार अलग अलग ग्रुप में हम डिवाइड कर दिए, ठीक है, एक ग्रुप में टोटल कितना सिस्टम, चार सिस्टम हम रखे हैं, चार ग्रुप में हम डिवाइड कर दिए, ठीक है, एक ग्रुप में नंबर ऑफ सिस्टम हम अगर चार रखे हैं, अब अगर डेटा आएगा तो हम क्या करेंगे, पहले इस ग्रुप से पूछेंगे, फिर इस ग्रुप से चार कंपेरिजन, कौन से ग्रुप में जाना है, ठीक है, चार कंपेरिजन ग्रुप के लिए हो गया मेरा, ठीक है, ये देखो चार कंपेरिजन ग्रुप को फाइंड करने के लिए, जब एक पर्टिकुलर ग्रुप में पता चल गया कि इसी ग्रुप में है जाना है, इस ग्रुप में कितना सिस्टम, चार सिस्टम, फिर से चार कंपेरिजन, टोटल चार, एक चार ग्रुप के लिए, अगला चार ग्रुप के अंदर सिस्टम के लिए, टोटल 4+4, 8 कंपेरिजन, पहले 16 कंपेरिजन से काम चल रहा था, अब केवल 8 से काम चल जाएगा, ठीक है, मतलब क्या है, अगर इस तरीके से हम लोग लॉजिकली अगर सिस्टम को अलग अलग ग्रुप में हम डिवाइड कर लेते हैं तो नंबर ऑफ कंपेरिजन कम होगा, नंबर ऑफ कंपेरिजन अगर कम होगा टाइम कम लगेगा, ठीक है। सेम यही चीज यहां पर है, जैसे क्या मान लो 3 बिट का नंबर है, 3 बिट का बाइनरी नंबर कैसा हो सकता है, 0000100, अच्छा 010 नहीं 001 यहाँ है, 001 होगा, ठीक है, 001010 इस तरीके से 0101, फिर 100, फिर 101, फिर अच्छा 1110, 1011 होना, फिर हाँ 1110, फिर 111, टोटल 8 वेरिएशन हो गया, तो 8 कंपेरिजन करना पड़ गया यहाँ पर, जबकि अगर हम लॉजिकली डिवाइड करते हैं इसको, स्टार्टिंग चार में क्या है, पहला जीरो रहेगा तो पहला जीरो, बाकी चार में क्या है, पहला वन रहेगा, पहला वन हो गया, फिर 0011, 1011, ठीक है। कंपेयर कैसे करेंगे भाई, पहला बिट जीरो है या वन, एक कंपेरिजन, दो कंपेरिजन हो गया पहला के लिए, या फिर पहला जीरो वन तो एक ही नहीं, देखो यहाँ जीरो है, यहाँ वन, अगर यहाँ वन नहीं है तो जीरो पर जाए, ठीक है, समझ रहे हो, वन जीरो के लिए एक ही कंपेरिजन, ये दोनों के लिए कितना कंपेरिजन करना पड़ेगा, अगर जीरो है या वन है कहाँ जाना है, एक कंपेरिजन अगर यहाँ कंपेयर किए हम, ये क्या बोला कि नहीं मैच किया, मतलब क्या दूसरे पर जाएगा, ठीक है, मतलब क्या यहाँ वन कंपेरिजन, अंदर में कितना कंपेरिजन, चार मैक्सिमम, ठीक है, यहाँ चार, टोटल 5, पहले 8 चाहिए था, अब 5 चाहिए, तो अगर लॉजिकली इस तरीके से हम सिस्टम को एक हिरकी में अगर हम मॉडल करते हैं कि पैकेट बना रहे हैं बहुत सारे सिस्टम का, तो नंबर ऑफ कंपेरिजन अगर कम जाएगा तो टाइम कम लगेगा, पैकेट को जल्दी पहुंचा सकते हैं हम सिस्टम के पास में कम टाइम में, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, यही चीज यहाँ देखो लिखा हुआ है,
यूजिंग अ हायरार्कियल राउटिंग लॉजिकली द टेबल साइज विल बी रिड्यूस्ड, लॉजिकली रिड्यूस्ड हुआ, फिजिकली जैसा है वहां ही सिस्टम है, फिजिकली वही चीज है, हम बस लॉजिकली इस तरीके से रिड्यूस कर लिए हैं, ठीक है, ग्रुपिंग लॉजिकली ग्रुप हम किए हैं, ठीक है, लॉजिकली द टेबल साइज विल बी रिड्यूस्ड सो दैट सर्चिंग टाइम विल बी लेस एंड पैकेट विल बी फॉरवर्डेड फास्टली, कम टाइम में पैकेट को फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। एरिया बॉर्डर राउटर इज यूज फॉर कनेक्टिंग एरिया जीरो विथ अदर एरिया, ठीक है। एरिया बॉर्डर राउटर क्या था कि एक एरिया को दूसरे एरिया से कनेक्ट कर रहा था, ठीक है। आउट ऑफ ऑल एरियाज एरिया जीरो इज नोन एज बैकबोन एरिया, एरिया जीरो क्या है, बैकबोन एरिया है, क्योंकि एरिया जीरो क्या करता है, सब एरिया को कनेक्ट करता है, ठीक है, ये क्या है, बैकबोन एरिया हो गया। व्हेनेवर लिंक इज ब्रोकन द डेटा इज डाइवर्टेड वाया वर्चुअल लिंक टू सपोर्ट फॉल्ट टॉलरेंस, देखो एक वर्चुअल लिंक भी यहाँ था, ये देखो डॉट डॉट वाला, ये क्या है, वर्चुअल लिंक यही है, ठीक है, ये क्या है, फॉल्ट टॉलरेंस के लिए लिंक है, ठीक है, यहाँ लिख भी सकते हैं, लिख भी लो क्या, अरे बहुत मोटा है यार, फॉल्ट स्पेलिंग देख लेना, आर ई एन सी है या फिर ए एन सी है, ठीक है, वर्चुअल लिंक इसके लिए, फॉल्ट टॉलरेंस के लिए, ठीक है, एक बार स्पेलिंग देख लेना इसका, चलो ये समझ में आ गया। अब इसके आगे हम लोग आते हैं, इसके आगे हम लोग आते हैं, जो हम बता रहे थे क्या, छोटा करते हैं फिगर को, चलो जो हम बता रहे थे कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग था, वहां प्रॉब्लम क्या आया था, काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम आ रहा था ना, बस यही चीज यहाँ पर देखो क्या है कि डिस्टेंस वेक्टर में काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम था, अब क्या है, स्प्लिट होरिजन को यूज करके वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, कैसे भाई, अब मान लो ए से एक से है जो लिंक ब्रोकन है, ठीक है, ए है जो बी से टेबल मांगा, तो बी क्या करेगा, ओनली दिस गिवन पार्शियल डेटा गिवन है, पार्शियल टेबल है देगा, क्यों, क्योंकि जो भाया ए जा रहा है वो डेटा देगा ही नहीं, बी से कोई भी ऐसा डेस्टिनेशन जो भाया ए जा रहा है नहीं देगा, भाया ए जो नहीं जा रहा है वही इसको देगा, तो ये समझ जाए कि अच्छा बी भी नहीं पहुंच सकता है एक्स के पास में, इसका मतलब क्या हम भी नहीं पहुंचेंगे, तो क्या करेगा, फॉल्ट टॉलरेंस का यूज कर लेगा। लास्ट केस में क्या था कि ए मानने को तैयार ही नहीं था कि हम नहीं पहुंच सकते हैं, आप समझ जाए कि अच्छा बी नहीं तो जा रहा है, बी तो डेटा दिया ही है, बी एक्स को जा ही नहीं रहा है, बी क्या सोचा कि अच्छा ए के थ्रू हम जा ही रहे हैं तो ए को हम क्यों देंगे डेटा, ये तो पहले से ही ए के पास में है, ठीक है, तो इसे क्या हो गया, आप जो अपडेट हुआ है यहाँ पर, क्या किया, अब जो अपडेशन हुआ, जैसे बी मांगा, देखो यहाँ के है तो के क्या किया, बी के थ्रू जा रहा है, तो बी के थ्रू क्या, टेबल गिवेन एक्सेप्ट दिस कंटेनिंग भाया बी, अगर बी भी मांगेगा दूसरा सा टेबल तो के क्या बोलेगा, ए से मांगेगा तो ये क्या बोला, मेरे पास तो एक से जाने का रास्ता नहीं है, के से अगर मांगा तो पहले क्या करता है, के क्या बोलता, देखो 1+1+2 4 लेकर जा सकता है के, किसके थ्रू, बी के थ्रू, यही देखो एक्स 4 लेकर जा सकता है, बी के वाया जा सकता है, तो के क्या बोला, अब क्या बोला, स्टार्टिंग में क्या बोलता, ठीक है ले लो डेटा मेरा, अब क्या बोलेगा ये कि ना ना बी के थ्रू ही तो हम जा रहे हैं तो बी को हम क्यों देंगे डेटा, बी के पास पहले से ही है, नहीं है मतलब कि डेटा गलत फिर हो गया है, ठीक है, इसलिए बी के वाला भाया बी का है जो भी डेटा उसको छोड़कर, जो भी एंट्री है भाया बी जाने का उसको छोड़कर बाकी सब एंट्री बी को देगा, ठीक है, किसी भी राउटर को अगर टेबल का डेटा देना रहे उस पार्टिकुलर राउटर के भाया जितना भी रास्ता है जितना भी एंट्री है वो सब छोड़ के बाकी सब देना है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग यूजिंग स्प्लिट होरिजन, ठीक है, क्या डेटा को स्प्लिट करके जो रिक्वायर्ड है बस वही दे रहा है, सब चीज पूरा टेबल नहीं दे रहा है सामने वाले को, ठीक है, यही चीज है, देखो यहाँ अपडेट हो गया नहीं जा रहा, अपडेट कर लिया है खुद से, ठीक है भाई अब एक्स जाने का रास्ता नहीं है, ये भी कर लिया एक्स जाने का रास्ता नहीं है, भाया ये भी अब नहीं है, ठीक है खत्म हो गया इसका, बस यही चीज यहाँ पर था। चलो यहाँ क्या है, राउटर्स ऑपरेट द टेबल वेरी फास्टली देन पैकेट कमिंग, राउटर है जो अपना टेबल ऑपरेट करता है बहुत कम टाइम में, ऐसा नहीं है कि अच्छा टेबल ऑपरेट कर रहा है तो पैकेट आया तो क्या करेगा, पैकेट आएगा उसको ट्रांसमिशन टाइम है सब जितना भी चीज होता है ट्रांसमिशन टाइम प्रोपगेशन टाइम ऐसा होता है उससे बहुत कम टाइम में टेबल को ऑपरेट कर लेता है,
ठीक है, और रेगुलरली ये कर रहा है। अभी बताया थे एलएचपी में क्या होगा, रेगुलरली ये काम होते रहता है ऑपरेशन जो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों, बहुत कम टाइम में कर लेता है, ठीक है, बहुत ही रिलेटिव अगर कंपेयर किया जाए कि पैकेट का ट्रांसमिशन और प्रोपेगेशन है सब टाइम का, उसके कंपेरिजन में बहुत ही कम टाइम इसमें लगता है, ठीक है। तो ये क्या है, राउटर्स अपडेट टेबल वेरी फास्टली देन पैकेट कमिंग, टाइम स्टार्ट्स आफ्टर ईच अपडेशन एंड इट एक्सपायर्स आफ्टर सम टाइम, ठीक है, और ये जो टाइम है अपडेट करने का, तो टाइम बाद एक्सपायर हो जाएगा, मतलब आप ही अपडेट कर लिया, एक टाइमर स्टार्ट कर लिया कि अभी अपडेट किया है, फिर इतना देर बाद फिर से हम अपडेट कर लेंगे, एलएसपी पैकेट तो आते ही रहेगा, अपडेट करते जाएंगे इतना टाइम इंटरवल में हम, ठीक है। राउटर्स फॉर अपडेटिंग द टेबल टाइम टू टाइम, अच्छा राउटर्स आर होगा, एक सेकंड ज्यादा मोटा हो गया है, राउटर्स आर अपडेटिंग द टेबल्स टाइम टू टाइम, दे यूज, अरे एक सेकंड, राउटर्स फॉर अपडेटिंग द टेबल टाइम टू टाइम दे यूज टाइमर्स, अब सही था एक्चुअली, ठीक है, टाइमर यूज करता है टाइम टू टाइम अपडेट करने के लिए, ठीक है। दिस टाइमर वैल्यू विल बी लेस कंपेयर टू द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ पैकेट, गैप टाइम बिटवीन पैकेट, मतलब एक पैकेट आएगा फिर अगला पैकेट आएगा फिर अगला पैकेट आएगा, ये सब टाइम के कंपेरिजन में ये जो अपडेट करने का टाइम है ये बहुत कम ही रहेगा, ठीक है, ये जो अपडेट करने का टाइम है ये टाइम बहुत कम होता है, ठीक है, यही चीज यहाँ पर है। व्हेनेवर अ लिंक इज ब्रोकन इट विल टेक बिग ओ एन टाइम एन नंबर ऑफ राउटर्स फॉर टेबल अपडेशन, मतलब क्या है, अगर एक लिंक ब्रोकन हो गया, अगर एन नंबर ऑफ राउटर है तो सबको अपडेट करना पड़ेगा, मतलब क्या है, बिगो एन टाइम लगेगा, लेकिन बहुत कम टाइम में करता है, सिंगल भी है जो, मतलब जो एक के लिए जो कांस्टेंट टाइम है बिगो वन टाइम लग रहा है, वो बहुत कम टाइम लग रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या फ्लडिंग के हेल्प से सबको जा रहा है ना, तो कम टाइम में काम करेगा, ठीक है। डिस्टेंस वेक्टर इज ए स्लो कन्वर्सन एल्गोरिथम, ठीक है, डिस्टेंस वेक्टर है जो स्लो है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बिगो एन टाइम लग रहा है, क्यों, क्योंकि देखो एक है जो ऑपरेट किया फिर अपना नेबर को दिया, फिर वो किया फिर वो अपना नेबर को दिया, फिर वो किया फिर वो अपना नेबर को दिया, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है कहाँ पर, डिस्टेंस वेक्टर में, तो अगर एन राउटर है तो एन टाइम लग गया, बिगो एन टाइम लग गया, फ्लडिंग अगर होता तो डायरेक्टली सबके पास भी पहुंच जाता पैरेलल में, कम टाइम लगता, कितना, कॉन्स्टेंट टाइम लगता, बिगो वन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस वेक्टर स्लो है, क्यों, क्योंकि यहाँ बिगो एन टाइम लगता है, जबकि व्हेनेवर अ लिंक इज ब्रोकन इट विल बी नोन टू ऑल राउटर्स इमीडिएटली विद द हेल्प ऑफ LSB, इट विल टेक बिगो वन टाइम, सो इट इज फास्ट कन्वर्सन एल्गोरिथम, ठीक है, LSB है जो फास्ट कन्वर्सन एल्गोरिथम है, क्यों, पैरेलल में सबको जा रहा है, फ्लडिंग मेथड से जा रहा है, ठीक है, डिस्टेंस वेक्टर में एक के बाद एक, एक के बाद ऐसे करते जा रहा है सब लोग, ठीक है, इसमें क्या है, टाइम ज्यादा लग रहा था। अब एक और चीज देखो क्या है यहाँ पर, पाथ वेक्टर राउटिंग, पाथ वेक्टर राउटिंग में होगा क्या, बीजीपी यहाँ रहता है, बीजीपी यूज होता है क्या, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल को यूज करते हैं हम लोग, दो टाइप का होगा क्या, एक इंटरनल बीजीपी होगा, एक इंटरनल बीजीपी होगा, मतलब सेम ऑटोनोमस सिस्टम में करने के लिए, एक एक्सटर्नल बीजीपी होगा, मतलब दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम में करने के लिए, जैसे क्या, देखो इसका स्ट्रक्चर एक बार देखो क्या, देखो एक ऑटोनोमस सिस्टम यहाँ है, एक ऑटोनोमस सिस्टम यहाँ है, एक ऑटोनोमस सिस्टम यहाँ है, तीन ऑटोनोमस सिस्टम हम ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ क्या है कि मान लो अगर ए राउटर अंदर किसी राउटर से कम्युनिकेट कर रहा है, मतलब क्या हो गया, इंटरनल बीजीपी हो गया ये, ठीक है, ये क्या है, आई बीजीपी, इंटरनल बीजीपी, ई बीजीपी मतलब एक्सटर्नल बीजीपी, ठीक है, ये क्या है, इंटरनल ये चीज हो गया, ठीक है, अगर अपने आप में किसी से कम्युनिकेट कर रहा है राउटर, तो अगर एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर में, ठीक है, लेकिन मान लो अगर एक ऑटोनोमस सिस्टम के बाहर कम्युनिकेट कर रहा है, जैसे कि ए राउटर है आर वन है, आर वन आर टू से कम्युनिकेट करे, या फिर R2 है जो R3 से करे, या फिर R1 है जो R3 से करे, तो डायरेक्ट नहीं कर सकता, डायरेक्ट लिंक नहीं है, तो यहां से यहां जाए फिर यहां से यहां आए, ठीक है। तो अगर इंटर ऑटोनोमस सिस्टम करना है तो क्या हो गया, ई बीजीपी हो गया, एक्सटर्नल बीजीपी हो गया, ठीक है। देखो यहां पर किस तरीके से लैन कनेक्टेड है, देखो यहां पहला एक जो लैन इसका है, इसका एड्रेस क्या है भाई, 191.168.0.0 /24, मतलब 24 बिट्स किसके लिए, नेटवर्क के लिए है, ठीक है, ये क्या है, स्लैश नोटेशन है, ये क्या है,
स्लैश नोटेशन बोलो या फिर क्लासलेस एड्रेसिंग में हम लोग पढ़ रहे थे ये चीज, ठीक है। स्लैश दिया रहा है मतलब क्या, ए नेटवर्क बिट्स इतना है। ये चीज देखो यहाँ है 191.168.1.0.24, ठीक है। ये क्या है, स्लैश नोटेशन है। इसका भी कुछ ऐसा ही एड्रेस रहा होगा, मान लो यहाँ पर 2.0 रहा होगा, इसका 2.0 रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से रहा है ये सब का भी। देखो एड्रेस क्या है, ये लैन का देखो एक एड्रेस है, इस लैन का एक एड्रेस है, इस लैन का एड्रेस है, इस लैन का एड्रेस है। सेम उसी तरीके से, सेम उसी तरीके से इसमें भी एक एड्रेस गिवन है, ठीक है। अगर डायरेक्टली सेंड करना रहे, देखो यहाँ से ऐसे सेंड किया तो ये चार है, ये चार है। तो ये टेबल साइज जो रहेगा, अगर अगर एक टेबल साइज अगर हम बनाए, एक टेबल अगर हम बनाते हैं इस तरीके से, टेबल कैसा बनेगा, इतना यहाँ पर रहेगा जितना लाइन यहाँ है, तीन यहाँ है ना, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 10 एंट्री रहेगा, टोटल 10 एंट्री रहेगा टेबल में, ठीक है। 10 एंट्री टेबल में रहेगा, किस तरीके से रहेगा भाई। अच्छा एक और चीज देखो, ये जो R1, R2, R3 है क्या है, एक्सटर्नल राउटर्स है, ठीक है। ये क्या है, जो एक दूसरा सिस्टम से, एक दूसरा ऑटोनोमस सिस्टम से कम्युनिकेट करेगा राउटर, क्या है यह है, एक्सटर्नल राउटर्स है, ठीक है। यही चीज यहां लिखा है, R1, R2, R3 आर एक्सटर्नल राउटर्स, ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखो किस तरीके से नेटवर्क पाथ किस तरीके से होगा, अगर R1 के पास में टेबल है, अगर ये जो R1 है, इस R1 के पास में अगर टेबल किसका रहेगा, इस R1 के पास में इस सिस्टम का भी टेबल रहना है, इस सिस्टम का भी टेबल रहना है, क्यों, क्योंकि R1 है दूसरे सिस्टम से भी कम्युनिकेट कर रहा है, साथ में इस सिस्टम का भी टेबल रहना है, मतलब तीनों सिस्टम का टेबल यहाँ पर R1 के पास में रहना है। कितना एंट्री होगा, जितना लैन है, टोटल कितना है, 10 लैन है, मतलब क्या है, 10 एंट्री करना है यहाँ पर। देखो ये R1 का जो टेबल है कैसा है भाई, देखो एक सिस्टम में तीन राउटर है, ठीक है। पाथ कैसा है, AS1 में सेम ऑटोनोमस सिस्टम में है, ये देखो यहाँ पर है, कैसे जाना है, AS1 से ऑटोनोमस सिस्टम 1 से ऑटोनोमस सिस्टम 2 हम जा सकते हैं। ये देखो तीसरा के लिए है, ये एड्रेस किसका था, देखो यहाँ पर, यहाँ देखो एड्रेस है 4.0.0.8 का, ठीक है। मतलब क्या है, यहाँ हम कैसे जा सकते हैं, डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम लोग R1 से R2 जाएंगे और R2 से फिर R3 जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ R2 से R3 का लिंक है, यहाँ R1 से R2, R2 से R3, मतलब क्या है, ऑटोनोमस सिस्टम 1 से ऑटोनोमस सिस्टम 2, ऑटोनोमस सिस्टम 2 से ऑटोनोमस सिस्टम 3, ऐसे जा सकते हैं। बस यही चीज यहाँ लिखा है कि किस तरीके से भाया कैसे पाथ क्या होगा, ठीक है। ये तीनों कैसे पहुंच सकते हैं, इस पाथ से हम पहुंच सकते हैं, ये कहाँ कैसे पहुंच सकते हैं, ये डायरेक्ट हम पहुंच सकते हैं, ये क्या है, सेम सिस्टम में ही है। तो टेबल कितना बड़ा होगा, देखो इतना बड़ा टेबल हो गया, इस टेबल को हम रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं भाई, लॉजिकली हम करें, फिजिकली तो यही टेबल रहेगा, लेकिन लॉजिकली हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, सुपर नेटिंग करके। सुपर नेटिंग क्या था, मल्टीपल नेटवर्क को ऐड करना, मल्टीपल नेटवर्क को ऐड करना, किस तरीके से, नेटवर्क बिट्स कुछ लेकर होस्ट में मिला देना। सब नेटिंग क्या था, कुछ होस्ट का बिट्स को लेकर नेटवर्क में मिला देना, याद करो बहुत पहले स्टार्टिंग में बताए हैं, जब IPv4 का हम बता रहे थे, सुपर नेटिंग और सब नेटिंग, ठीक है। तो सुपर नेटिंग में क्या था, मल्टीपल नेटवर्क को ऐड करना, कैसे ऐड करेंगे, नेटवर्क वाला कुछ बिट्स है उसको होस्ट में मिला देंगे। जैसे क्या, मान लो 4 नेटवर्क ऐड करना है तो कितना बिट्स चाहिए, 2 पावर 2 का वैल्यू 4 होता है, तो 2 बिट्स चाहिए। 6 ऐड करना है, 6 नेटवर्क को ऐड करना है, क्या करेंगे, 2 से नहीं काम चलेगा तो 3 बिट्स लेंगे, क्यों, 3 बिट्स में कितना हम ऐड कर सकते हैं, 2 पावर 3 नेटवर्क हम ऐड कर सकते हैं, मतलब 3 बिट लिए तो 8 नेटवर्क हम ऐड कर सकते हैं, 6 के लिए सफिशियंट है। मान लो 15 नेटवर्क हमको ऐड करना है तो कैसे लेंगे भाई, 3 बिट लेते हैं तो 2 पावर 3 8 नेटवर्क ही हो सकता है, तो 4 बिट लेंगे, 4 में क्या है, 2 पावर 4 16 नेटवर्क को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो 16 नेटवर्क जब हम ऐड कर सकते हैं तो 15 भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब क्या है, 4 बिट्स नेटवर्क से लेकर होस्ट में मिला देना है, मतलब क्या है, ये वैल्यू है जो 4 से कम जाएगा, यही चीज होगा ना, अगर 16 नेटवर्क को मर्ज करना रहे तब काम बात बता रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर यही चीज देखो, कितना नेटवर्क है, 3 है, 3 के लिए कितना बिट्स चाहिए, 2 पावर 2 2 बिट्स रहेगा तो 4 नेटवर्क ज्वाइन कर सकते हैं,
ठीक है, तो 2 बिट्स चाहिए। 2 बिट्स क्या करेंगे, नेटवर्क से लेकर होस्ट में मिलाएंगे। A24 क्या है, नेटवर्क बिट्स है, 2 बिट्स हम होस्ट में मिला दिए, बचा कितना है यहां पर बच जाएगा केवल 24 - 2 = 22। क्यों, 2 बिट्स कहां चला गया है, नेटवर्क टू होस्ट चला गया है, कैसे, सुपर नेटिंग किए हैं तब, ठीक है। बस इसको ही एक लाइन में सबको मिलाकर मर्ज किए तो एक लाइन में क्या बन गया, 191.168.0.0.22। एक लाइन में देखो AS1 AS1 इतना टेबल है जो एक लाइन में मेरा आ गया। सेम इस तरीके से इसको भी हम बनाएंगे, क्या भाई 16 है ना, टोटल 4 नेटवर्क है, कितना बिट्स, 2 बिट्स, तो 16 - 2 कितना, 14, यहां देखो 14 हो गया, एक लाइन में आ गया, क्या AS1 से AS2 एक लाइन में आ गया। सेम यही चीज इसके लिए भी करो, 3 यहां पर है एड्रेस ना, 3 के 2 बिट्स, यहां 8 है, 8 - 2 कितना, 6, यहां देखो 6 आ गया। रास्ता क्या है, AS1 AS2 AS3 इस तरीके से जाएगा ऐसे, यहां स्पेस नहीं था हॉरिजॉन्टल इसलिए हम ऐसा लिख दिए, क्या 3 एंट्री में ही टेबल हो गया ना, फिजिकली टेबल यही है लेकिन वर्चुअली हम इसको छोटा बना लिए। अब इतना से मान लो एक पैकेट निकला था तो राउटर क्या करता, इस सब से कंपेयर करता, कितना कंपेरिजन, 3 4 3 7 3 10 10 कंपेरिजन होता। अब कितना होगा, 1 2 3 कंपेरिजन है यहां पर, ठीक है 3 यहां हो गया, इसके अंदर जा रहा है तो 3 और 3 3 6, या फिर इसके अंदर जा रहा है तो 4 और 4 3 7, या इसके अंदर अगर जा रहा है 3 3 6, नंबर ऑफ कंपेरिजन कम गया, मतलब क्या वर्चुअली हम टेबल को रिड्यूस करेंगे तो फास्टर होगा कम्युनिकेशन, ठीक है। आफ्टर सुपरनेटिंग टेबल साइज रिड्यूस्ड लॉजिकली नॉट फिजिकली, फिजिकली नहीं हुआ लेकिन लॉजिकली छोटा हो गया है, टाइम को हम सेव कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। एक यह IBGP इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन इंटरनल राउटर एंड एक्सटर्नल राउटर, ठीक है। ये क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल राउटर के बीच में हम कम्युनिकेशन करते हैं, किसमें, इंट्रा बीजीपी में, ठीक है। और EBGP मतलब क्या है कि 2 एक्सटर्नल राउटर के बीच में, ठीक है। जैसे 2 एक्सटर्नल राउटर क्या है, यहाँ फिगर में देखो, एक है एक इंटरनल राउटर है, एक क्या है एक एक्सटर्नल राउटर है, ठीक है। ये दोनों में हम कम्युनिकेशन करते हैं, किस से, IBGP से। EBGP में हम क्या करते हैं भाई, एक्सटर्नल से एक्सटर्नल में करते हैं, ये एक्सटर्नल में करते हैं, ठीक है। EBGP में दोनों ही एक्सटर्नल राउटर में होगा कम्युनिकेशन, दोनों एक्सटर्नल राउटर में, और IBGP में एक इंटरनल एक एक्सटर्नल रहेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखो एक और भी चीज होता है, क्या एक होता है RARP प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। अब इसमें देखो होता क्या है, कभी कभी कॉलेज में देखिए होगा क्या कि जो सिस्टम है लैब में, जो सिस्टम है उसका CPU गायब है, CPU गायब है उसका, हार्ड डिस्क है ही नहीं उसमें, उसको बोलते हैं डिस्कलेस स्टेशन, डिस्क ही नहीं, हार्ड डिस्क ही नहीं है, मैक एड्रेस है जो रैम में स्टोर होता है, मैक नहीं रोम में स्टोर होगा, परमानेंट रहता है, रोम क्या रीड ओनली है, चेंज नहीं हम कर सकते हैं, तो मैक एड्रेस जो होता है रोम में रहता है, लेकिन जो IP एड्रेस होता है वो हार्ड डिस्क में रहता है। अब डिस्क नहीं है तो IP एड्रेस कहां से आएगा उसमें, ठीक है। बस यही चीज यहां देखो कि अगर डिस्कलेस स्टेशन है तो मैक एड्रेस तो है उसका रोम में, लेकिन IP एड्रेस नहीं है, ठीक है। डिस्क स्टेशन जो है जिसको सर्वर हम लोग बोलते हैं, ठीक है, कंप्यूटर जो लैब रहता था वहां पर एक सर्वर रूम होता था जहां सर्वर है, ठीक है, जो मेन सिस्टम है सर्वर है, सर्वर क्या है डिस्क है वहां पर, ठीक है। इसके पास में क्या क्या है, मैक भी है और IP भी है, लेकिन नॉर्मली जो स्टूडेंट बैठता था लैब में वहां पर क्या था, IP एड्रेस उसका नहीं रहता था, IP एड्रेस नहीं होता था, क्यों, क्योंकि तो वहां पर डिस्क था ही नहीं, लेकिन फिर भी इंटरनेट वहां यूज कर सकते थे क्योंकि रन टाइम में डिस्क नहीं रहने पर भी IP एड्रेस प्रोवाइड कर सकता है, कौन, ये सर्वर रन टाइम में काम कर सकता है, तभी तो एग्जाम होता है, जहां पर देखना बहुत सारा एग्जाम होता है जो ऑनलाइन, जैसे गेट का एग्जाम दोगे तो क्या सेंटर बेस्ड टेस्ट रहता है, CBT रहता है, कैसे होता है वो, तुम जाओगे वहां पर तुम्हारे नीचे में वो कि CPU मिल नहीं रहा है, CPU है नहीं, कहीं और रखा हुआ है वो,
ठीक है, हार्ड डिस्क से है नहीं वो सिस्टम के लिए, लेकिन फिर भी इंटरनेट तो उसमें जा रहा है क्योंकि लाइव एग्जाम हो रहा है, ऑनलाइन रहता है पोर्टल, ठीक है, एग्जाम हो रहा है वहां पर। इसका मतलब क्या है कि रन टाइम में इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सकता है आईपी एड्रेस। इंटरनेट मतलब क्या हो गया, आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया गया है, तो रन टाइम में काम हो सकता है। किसके हेल्प से? डिस्क स्टेशन कर सकता है ये काम जो, ठीक है। मैक एड्रेस फिजिकली स्टोर्ड इन रॉम चिप एंड आईपी एड्रेस फिजिकली स्टोर्ड इन हार्ड डिस्क, ठीक है। तो यहाँ होता क्या, आरएआरपी प्रोटोकॉल क्या है, जो हम बोले कि रन टाइम में आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकता है, ये आरएआरपी प्रोटोकॉल के हेल्प से होगा, ठीक है। तो क्या है आरएआरपी, क्या है रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल ये कैसे करेगा, ये मैक एड्रेस इनपुट मिला इसको, ये आरएआरपी सॉफ्टवेयर क्या है आउटपुट में क्या करेगा, आईपी एड्रेस दे देगा। आउटपुट में क्या किया, आईपी एड्रेस ये दे दिया, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, यही चीज देखो यहां पर कैसे काम कर रहा था। एक्चुअली ये एक लैन है, एक यहां पर देखो सर्वर है, इसको चाहिए, एक क्या है क्लाइंट है, एक क्लाइंट है क्या है डिस्कलेस स्टेशन है, हार्ड डिस्क नहीं है इसके पास में, एक क्लाइंट है इसको चाहिए आईपी एड्रेस। ये क्या किया, ये सेंडर अपना मैक सेंड किया, डेस्टिनेशन का एक मैक किया, डेस्टिनेशन मैक क्या है देखो क्या है, ये ब्रॉडकास्टिंग के लिए है, ब्रॉडकास्टिंग मैक है, ये ब्रॉडकास्ट कर दिया। ये क्या चाहिए था, इसको क्या बोला, ब्रॉडकास्ट किया मैक एड्रेस अपना मैक एड्रेस को ब्रॉडकास्ट कर लिया। तब सर्वर समझा क्या कि अच्छा इसको चाहिए इंटरनेट, तो रन टाइम में इसको इंटरनेट दे दिया, इसको आईपी एड्रेस दे दिया, ठीक है। यहाँ पर जो सर्वर है, यहाँ पर क्या है आरएआरपी सॉफ्टवेयर है, इसी सर्वर में है आरएआरपी सर्वर जो है, इसमें ही आरएआरपी सॉफ्टवेयर है। ये क्या है डिस्क स्टेशन है, ये डिस्क स्टेशन है, इसके पास में आईपी एड्रेस है पहले से, ठीक है। अब एक और चीज देखो, यही सर्वर था ना जो यहाँ पर आईपी एड्रेस दे रहा था किसी को, ठीक है। मान लो कोई और लैन है, सेम दूसरा कंप्यूटर रूम है, ठीक है, उसको एक लैन जैसा बनाया हुआ है, ठीक है, एक और लैन है यहाँ पर ऐसा, ठीक है, यहाँ पर भी किसी को चाहिए आईपी एड्रेस, उस वाले रूम को भी चाहिए, दूसरा जो लैन है सेम कॉलेज में जो लैन है, मान डिपार्टमेंटल ले लो, ठीक है, एक कंप्यूटर साइंस का था, एक ईसीई डिपार्टमेंट का है, वहां पर भी एक लैन अपना सेटअप है, ईसीई वाला बोल रहा है कि हमको भी अब चाहिए इंटरनेट, मेरा भी काम है, ठीक है। जैसे ही ये इंटरनेट मांगा, इस लैन के पास जो ये बाउंड्री राउटर था, बाउंड्री राउटर रहता है लैन में, ठीक है, ये जो बाउंड्री राउटर था, ये जैसे ही इस पैकेट को ब्रॉडकास्ट किया है, ठीक है, यहाँ पर राउटर क्या है आरएआरपी सर्वर तो है नहीं, यहाँ पर ये तो प्लेन राउटर है सिंपल। ये क्या सोचा, जब हम इसको सेंड करेंगे तो ये राउटर है जो मेरा पैकेट इस आरएआरपी सर्वर को सेंड करेगा, ये आरएआरपी सर्वर हमको क्या दे देगा, आईपी एड्रेस दे देगा, हो सकता है इसके थ्रू ही दे, लेकिन दे देगा। लेकिन हुआ क्या, जब ये सेंड किया, ये देखा क्या राउटर, अरे तो लैन एरिया का ब्रॉडकास्टिंग है, ये बाहर जाने ही नहीं देगा, बाहर नहीं जाने देगा इससे, ये राउटर यहाँ से ही बैक कर देगा पैकेट को, तो इस सिस्टम के बाहर जा ही नहीं पाया। जब इस सिस्टम के बाहर में गया ही नहीं, जब यहाँ पहुँचा ही नहीं मैसेज, तो आईपी एड्रेस कैसे देगा, नहीं दे सकता है, ठीक है। तो इस तरीके मतलब क्या कि एक लैन के लिए, अगर एक लैन है तो एक लैन के लिए अपना आरएआरपी सर्वर चाहिए, दूसरा लैन है इसके लिए अपना आरएआरपी सर्वर चाहिए, अगर आईपी एड्रेस लेना है तब, अगर एन नंबर ऑफ लैन है तो एन आरएआरपी सर्वर चाहिए, तब जाकर सबको इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगा। यही यहाँ लिखा है, नोट गेटिंग आईपी एज आरएआरपी ब्लॉक्ड बाई राउटर। राउटर जो था ये आरएआरपी मैसेज जो था इसका, ये क्या किया, ब्लॉक कर दिया, आगे जाने ही नहीं दिया इसको, यहां से ही रिवर्स कर दिया, ठीक है। अब बोलो कि ये सॉल्व कैसे होगा भाई, सॉल्व करने का तरीका क्या है कि यहां पर भी एक आरएआरपी सर्वर लगा दो, जितना मान लो एक और लैन है तो यहां लगा दो, एक और लैन है यहां लगा दो, एक और लैन है यहां, जितना भी लैन है सब में आरएआरपी सर्वर लगा दो। लेकिन सर्वर का इंस्टॉलेशन तो कॉस्टली होगा, जितना सर्वर हम बनाएंगे उतना कॉस्ट जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा वह, ठीक है। तो आरएआरपी सर्वर सब लैन के लिए रखना, ये थोड़ा महंगा चीज है, कॉस्टली चीज है थोड़ा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, द ड्रॉबैक ऑफ आरएआरपी प्रोटोकॉल इज फॉर एन लैन नेटवर्क्स एन आरएआरपी सर्वर्स आर रिक्वायर्ड, सो कॉस्ट बिकम्स टू हाई, कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एन लैन के लिए एन आरएआरपी सर्वर चाहिए, ठीक है। इवन द कंप्यूटर नॉट हैविंग हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क नहीं रहता है, फिर भी
स्टिल आईपी एड्रेस कैन बी असाइंड एट रन टाइम यूजिंग आरएआरपी प्रोटोकॉल। ठीक है, रन टाइम में आईपी एड्रेस दिया जा सकता है। आरएआरपी रिक्वेस्ट पैकेट इज ब्रॉडकास्ट क्यूरी पैकेट। ठीक है, ब्रॉडकास्ट क्यूरी करता है। ठीक है, दिखाई डेस्टिनेशन एड्रेस में क्या ब्रॉडकास्टिंग मैक दे दिया था। ठीक है, सबके सब एप लिख कर दिया था। ठीक है, आरएआरपी रिप्लाई इज ए यूनिकास्ट रिप्लाई पैकेट। मतलब क्या, ये तो ब्रॉडकास्ट कर दिया था ये सिस्टम इसको भेजने के लिए, लेकिन यहाँ से जो रिप्लाई आएगा रन टाइम में, देखो एक आईपी एड्रेस आया है, ये है जो यूनिकास्ट है। यूनिकास्ट कैसे हो गया, क्योंकि सर्वर के पास में इसका मैक एड्रेस है ना, ये सर्वर अपना टेबल में लिख लिया है, इसका मैक एड्रेस लिख लिया है कि इसको कौन सा आईपी एड्रेस हम दिए हैं, रन टाइम में दिए हैं। जब इसका यूज खत्म होगा ये वापस चला जाएगा, समझ रहे हो, फिर ए किसी और को दे सकता है, यूज के अकॉर्डिंग देगा, रन टाइम में देना है केवल। ठीक है, तो आरएआरपी रिप्लाई क्या होता है, यूनिकास्ट रिप्लाई पैकेट होता है। सेम वही तरीके से एक बूटपी प्रोटोकॉल है, बूटपी प्रोटोकॉल है जहां पर क्या थोड़ा आसान हो जाएगा आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना। आरएआरपी में क्या था, आरएआरपी सर्वर चाहिए जितना सारा लैन है, यहां पर क्या होता है तो जो राउटर रहेगा ना, राउटर के जगह में देखो यहां तो एक था ही लैन नेटवर्क, यहां आरएआरपी सर्वर था ही, यहां तो सबको नेट मिल ही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हुआ था, लेकिन दूसरे वाले लैन में नहीं जा रहा था। क्यों, क्योंकि एक और जो राउटर था ये राउटर ब्लॉक कर दे रहा था, ये राउटर ब्लॉक कर दे रहा था। ठीक है, क्या यहां पर किया गया है कि यहां पर आरएआरपी सर्वर अगर हम फिट करते तो काम सही करता, लेकिन कॉस्टली था मेरे लिए, तो हम क्या किए, हम एक रिले एजेंट यहां पर फिट किए हैं। ये रिले एजेंट क्या कर रहा है, जब सेंड किया था तो डेस्टिनेशन एड्रेस में कुछ और डाल दे रहा है, डेस्टिनेशन एड्रेस में कुछ और डाल दे रहा है। जब डेस्टिनेशन एड्रेस को चेंज कर रहा है, देखो डेस्टिनेशन एड्रेस है, डेस्टिनेशन एड्रेस को क्या किया, पहले ये देखो लिखा हुआ था ब्रॉडकास्टिंग का, उसमें अब ऐसा यहां चेंज कर दिया। कौन किया है, रिले एजेंट किया है, प्लस मैक, मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन है जो चेंज कर दिया। ये मैक एड्रेस तो मिला ही था पहले, मैक एड्रेस जो रिक्वेस्ट कर रहा है दिया ही था इसको। ठीक है, तो क्या किया कि मैक तो जाएगा ही साथ में, लेकिन डेस्टिनेशन एड्रेस को ये चेंज करके पब्लिक बना दिया। अब क्या हो गया, जैसे ही बनाया तो अब चेंज करके भेजा है, राउटर क्या देखा, अच्छा ये तो ऐसा ब्रॉडकास्ट क्वेरी पैकेज नहीं है, ठीक है आगे जाना तो जहां भी जाना है, क्या किया ये यहां पर चलाया। अब ये क्या किया, ये जो सर्वर था ये अब क्या आरएआरपी सर्वर नहीं रहा, ये बन गया बूटपी सर्वर, ये बन गया है। ठीक है, ये बूटपी प्रोटोकॉल में यूज हो रहा है। ठीक है, बूटपी सर्वर क्या किया, जब मैसेज आया ये क्या किया, मैक एड्रेस लिख लिया यहाँ पर ये अपना टेबल में, और एक आईपी एड्रेस इसको रिप्लाई कर दिया। जब आईपी एड्रेस रिप्लाई आया, रिले एजेंट देखा कि अच्छा उसका रिप्लाई आ गया है, जिस मैक को था उसको सेंड कर दिया है। मतलब क्या है, अगर रिले एजेंट को, रिले एजेंट काम क्या कर रहा है, रिले एजेंट काम क्या कर रहा है, डेस्टिनेशन एड्रेस को चेंज कर रहा है, बस यही काम। क्यों, क्योंकि आरएआरपी में राउटर है जो बाहर जाना ही नहीं दिया था, लैन से बाहर जाना ही नहीं दिया था, तो लैन का जो बाउंड्री राउटर था वो बाहर नहीं जाने दिया था पैकेट को। ये क्या किया, रिले एजेंट उसके डेस्टिनेशन एड्रेस को चेंज कर दिया। जैसे ही चेंज किया ए राउटर बाहर जाने दिया उसको, बाहर गया तो यहां पर सर्वर था, सर्वर इसको आईपी एड्रेस को दे दिया, इसी रास्ते से आईपी एड्रेस लेकर इस सिस्टम को मिल गया आईपी एड्रेस। मतलब क्या है कि यहाँ पर सर्वर नहीं बैठाना पड़ा, पहले क्या था आरएआरपी सर्वर को यहाँ बैठाना पड़ेगा, लेकिन बूटपी प्रोटोकॉल में क्या है कि एक ही सर्वर रहेगा, बाकी जितना भी लैन है सब जो है रिले एजेंट लगा दो, रिले एजेंट लगा दो, जितना भी लैन है सब में एक एक रिले एजेंट रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर रिले एजेंट की हेल्प से इसको आईपी एड्रेस मिल गया, बाकी सब लाइन को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस्ट कम पड़ा। सर्वर के जगह पर क्या है ये रिले एजेंट, ये बहुत ही कम कॉस्ट पर, रिलेटिवली बहुत कम कॉस्टली पड़ा है। ठीक है, आसान है, अगर टोटल एन लाइन है तो कितना कॉस्ट लगेगा, पहले क्या था एन लाइन है तो एन आरएआरपी सर्वर चाहिए, अब क्या चाहिए, अगर एन लाइन है एक बूटपी सर्वर चाहिए और बाकी का रिमेनिंग कितना हो गया, टोटल एन है एक बूटपी सर्वर, बाकी रिमेनिंग n-1 रिले एजेंट ऐड कर दो, काम चल जाएगा। ठीक है, तो यही चीज यहां पर हो रहा है।
एक यहाँ चेंज बाय रिले एजेंट देन अलाउड बाय राउटर टू रिसर्व, ये क्या किया है, ये चेंज जो किया डिस्टेंस ने एड्रेस, रिले एजेंट चेंज कर रहा था। यहाँ पर देखो क्या है, यूजिंग बूटपी प्रोटोकॉल वी कैन असाइन आईपी एड्रेस टू डिफरेंट लैन यूजिंग वन बूटपी सर्वर एंड एन माइनस वन रिले एजेंट, ठीक है। सो कॉस्ट इज लेस, कॉस्ट कम गया। बोथ आरएआरपी एंड बूटपी आर स्टैटिक प्रोटोकॉल्स, मतलब क्या है कि जैसे स्टैटिक अगर फिक्स लैन एरिया है वहां पर ये काम कर रहा है, मूवेबल के लिए काम नहीं कर रहा है, मूव नहीं सिस्टम वो कर रहे हैं कि यहां से कहीं और लेकर चले गए, ठीक है। डायरेक्टली जो हार्डवेयर मतलब हार्डवेयर जो है केबल से कनेक्टेड है वहां पर ये काम कर रहा है, आरएआरपी या बूटपी दोनों ही, ठीक है। पैरेलली वायरलेस हैज प्लेड मेजर रोल ड्यूरिंग द यूज ऑफ बूटपी प्रोटोकॉल बट बोथ प्रोटोकॉल कांट, अच्छा बूटपी प्रोटोकॉल एक्चुअली है, एक सेकंड रुक जाओ, चलो बूटपी हो गया। हाँ पैरेलली वायरलेस प्लेड, एक सेकंड यार, चलो यहाँ क्या है, पैरेलली वायरलेस हैज प्लेड मेजर रोल ड्यूरिंग द यूज ऑफ बूटपी प्रोटोकॉल बट बूटपी प्रोटोकॉल कैनॉट गिव डायनेमिक आईपी एड्रेस, ठीक है, स्टैटिक ही रहता है। सो अ न्यू सॉफ्टवेयर हैज बीन डिजाइंड इन द नेक्स्ट वर्जन कॉल्ड डीएचसीपी प्रोटोकॉल। डीएचसीपी पहले हम लोग पढ़े भी थे, डीएचसीपी हम लोग पहले पढ़े भी थे। उसे क्या हो रहा था, जब मूव कर रहा था इस तरीके से बहुत सारा राउटर है, जब डिवाइस ऐसे मूव कर रहा तो यहाँ पर नियर है ये, इसको दे दिया ये नेटवर्क आ गया, यहाँ से इसको नेटवर्क मिल गया, यहाँ से इसको नेटवर्क मिल गया, नेटवर्क मिलते जा रहा है डिवाइस को मूव कर रहा है तो, ठीक है ये समझ में आ गया। फॉर बूटिंग द नेटवर्क्स फॉर वर्क स्टेशन दीज प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड, ठीक है वर्क स्टेशन के लिए ये काम करेंगे, ठीक है ये समझ में आ गया। अब देखो लास्ट चीज क्या है, लास्ट एक चीज क्या बता रहे हैं कि बिट रेट और बॉड रेट क्या होता है। अच्छा बैंड नहीं बॉड रेट है एक्चुअली है, एक क्या है बाउड रेट है, बी ए यूडी या बी ओ यूडी एक बार देख लेना स्पेलिंग इसका, ठीक है। चलो इसमें क्या है, बिट रेट और बाउड रेट क्या होता है ये हम बता रहे हैं। देखो बिट रेट क्या होता है, बी ए यूडी ही शायद है इसका, एक बार देख लेना, बी ए यू डी है शायद, ठीक है हम डिस्क्राइब करते हैं एक बार, स्पेलिंग देख लेना एक बार खुद से, ठीक ना माइनर चीज है स्पेलिंग एक बार देख लेना, ठीक है। तो बिट रेट और बाउड रेट में क्या है डिफरेंस क्या है, देखो बिट रेट मतलब कि नंबर ऑफ बिट्स कितना ट्रांसफर हो रहा है पर सेकंड, बाउड रेट क्या है भाई नंबर ऑफ सिंबल्स कितना पर सेकंड ट्रांसफर हो रहा है, बस यही डिफरेंस है। बिट रेट मतलब क्या है नंबर ऑफ बिट्स, बाउड मतलब क्या है नंबर ऑफ सिंबल। अब नंबर ऑफ सिंबल अब बिट अलग कैसे है, ठीक है अगर देखेंगे हम लोग सिंपल क्या देखेंगे, एक डेटा अगर है देखो वन का सिंबल जीरो का सिंबल फिर वन का सिंबल फिर वन का सिंबल फिर जीरो का सिंबल फिर जीरो का सिंबल फिर वन का सिंबल, एक बिट एक सिंबल एक बिट एक सिंबल एक बिट एक सिंबल, इस तरीके से ही है, यही है कोई दिक्कत नहीं है, बिट अबाउट दोनों ही सेम है, मतलब बाउट मतलब सिंबल तो एक सिंबल एक बिट से बना हुआ, लेकिन एक सिंबल कभी कभी होता क्या है कि मल्टीपल बिट से बना हुआ रहता है, जैसे क्या हम बताए थे क्या मैनचेस्टर इनकोडिंग बताए थे हम, क्या भाई वन के लिए क्या करना है प्लस से माइनस जाना है, प्लस से माइनस मतलब क्या हो गया एक प्लस वाला सिंबल एक माइनस वाला सिंबल, दो बिट से एक प्लस वाला बिट एक माइनस वाला बिट दो बिट से मिलकर एक सिंबल बना है, यहां भी दो बिट से मिलकर एक सिंबल बना, जैसे क्या इस वन को बताने के लिए क्या किए वन जीरो दो बिट लिए हैं, फिर यहां दो बिट लिए हैं इस जीरो के लिए, फिर यहां दो बिट लिए हैं इस वन के लिए, फिर यहां दो बिट लिए हैं इस वन के लिए, मतलब क्या है ये जो मैनचेस्टर इनकोडिंग में जो सिंबल है एक सिंबल के लिए दो बिट चाहिए, हो सकता है कहीं और ऐसा सिंबल मिल जाए हम लोग को, ऐसा सिंबल मिले कि एक सिंबल के लिए चार बिट चाहिए, वहां पर बिट रेट कुछ और होगा बाउड रेट कुछ और होगा, अगर चार सिंबल चाहिए होगा, ठीक है
तो बिट रेट अगर एक्स है तो बॉड रेट कितना होगा? एक्स बाई फोर, एक्स बाई फोर। क्यों? क्योंकि अगर चार बिट से एक सिंबल बन रहा है, टोटल 10 सिंबल है, तो बिट्स कितना है? 10 × 4 = 40। अगर 40 बिट्स पर सेकंड है तो 40/4, 10 सिंबल पर सेकंड, 10 बाउड पर सेकंड, बस यही डिफरेंस है। ठीक है, तो नंबर ऑफ बिट्स कितना यूज हो रहा है सिंबल में, बस इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, बाउड मतलब क्या है? नंबर ऑफ सिंबल, सिंबल रेट होता है, ये क्या है? बिट रेट है, सिंपल एकदम है। ठीक है, बस यही चीज यहां पर है। क्या? बिट रेट इक्वल टू 2 × बाउड रेट, मतलब क्या है? अगर दो सिंबल से बना हुआ है तब, यहां लिख लो, इफ ईच सिंबल्स आर ऑफ, इफ ईच सिंबल्स आर ऑफ 2 bits, ठीक है, n into baud rate कब लिखेंगे? Each symbols are of n bits, ठीक है, n bits का हर एक सिंबल है। यहां पर देखो, baud rate हो गया, av है जो baud rate हो गया। ठीक है, देखो ये मतलब ये जो वन सिंबल नीड्स 2 bit स्पेस इन चैनल। ठीक है, यहाँ पर सिंबल को माना गया कि 2 bit से सिंबल बना हुआ, जैसे मैनचेस्टर इनकोडिंग के लिए हम यूज किए हैं, लेकिन उससे ज्यादा का भी सिंबल हो सकता है। ठीक है, ज्यादा बिट्स का भी सिंबल हो सकता है, लेकिन जितना भी सिंबल होगा वो क्वेश्चन में गिवेन होगा। क्वेश्चन में हो सकता है क्या? नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल दे दे और बिट रेट दे दे, पूछे बाउड रेट क्या है, या बाउड रेट दे दिया, नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल दे दिया, पूछे बिट रेट क्या है। ठीक है, आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो समझ गए कि एक सिंबल में कितना बिट्स है, हो गया सॉल्व, यही इतना था। ठीक है, तो अगला जो हम लोग का टॉपिक है, ये नेटवर्क लेयर एंड हो गया, अभी नेटवर्क लेयर कंप्लीट हो गया है। अगला जो टॉपिक क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर है, हम लोग का ट्रांसपोर्ट लेयर है। और अगला 2 दिन, नेक्स्ट 2 क्लास जो रहेगा, फुल क्लास अगर तब 2 से 3 घंटे का क्लास हुआ तो 2 दिन अगला लगेगा ट्रांसपोर्ट लेयर को खत्म करने में, लगभग 6 घंटा के राउंड लगेगा इसमें टाइम। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर से भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी यहाँ से रहता है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी रहता है। ठीक है, नेटवर्क लेयर कंप्लीट हो गया है, आज क्या करना है इस वीडियो के बाद में कि नेटवर्क लेयर को कंप्लीट रिवाइज कर लो, क्योंकि अब नेटवर्क लेयर कंप्लीट हो गया है। जब आप कंप्लीट रिवाइज करोगे तब क्या है, माइंड में पूरा फिगर बन जाएगा, अच्छा नेटवर्क लेयर में ऐसा 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 काम हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला क्लास में, क्या ट्रांसपोर्ट लेयर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पिछला सब रिवाइज कर लो, हो सके अगर अगर इसमें गैप लेना है थोड़ा तो पिछला डेटा लिंक लेयर को भी रिवाइज कर लो, एक बार रिवाइज कर लो स्टार्टिंग से, तो नया चीज़ यहाँ पर आने वाला है। आसान है, मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, लेकिन नया तो है, नया जैसे ही है तो थोड़ा सा तो टफ लगेगा ही, कंपेरेटिव जो चीज़ जान चुके हैं, जो नहीं जानते हैं, नहीं जानने वाला चीज़ थोड़ा मुश्किल लगता ही है। ठीक है आसान, लेकिन अभी ये पहला बार तो मुश्किल लगना है। ठीक है, तो रिवाइज कर लो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर किस तरीके से काम करता है, क्या क्या काम होता है यहाँ पर, क्या क्या फंक्शन है इसका। ठीक है, किस तरीके से फंक्शंस को ऑपरेट करता है, ये सारा चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलो फिर, अब तक जो पढ़ाए हैं रिवाइज करो अच्छे से, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चलो फिर पढ़ो।